65 घंटे बाद देश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट तंत्र का साक्षी बनने वाला है, यानी वो वक्त जब पहला वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए TV9 भारतवर्ष पर सबसे विश्वसनीय और फाइनल ओपिनियन पोल। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतने सारे सवाल जवाब, हर तरह के वोटर से बात, सचमुच आज एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है सुमेरा। जी हाँ, आपके साथ मैं हूँ सुमेरा खान। लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान से पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है पीपल्स इनसाइट, पॉलस्ट्रैट और TV9 के सहयोग से बना सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल का फाइनल राउंड, जिसमें एक एक आंकड़े की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े चंद मिनटों में आपके सामने होंगे, लेकिन पहले आपको पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और TV9 ने कितना बड़ा और कितने साइंटिफिक तरीके से ये ओपिनियन पोल किया है वो बताते हैं आपको। ओपिनियन पोल कैसे किया गया है वो आइए बताते हैं। TV9, पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रैट का ये सर्वे है, करीब 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। इतना बड़ा सैंपल साइज कोई और नहीं लेता है, TV9 भारतवर्ष ने सैंपल साइज लिया है। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग के जरिए लोगों की राय ली गई है। इसके अलावा रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए हमने कॉल लगाई है। लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया गया है, तो देखिए लोकसभा की हर सीट तक हम पहुंचे हैं। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है, यानी विधानसभा सीटों से सैंपल लेने के बाद लोकसभा सीटों से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया, यानी इतने ग्राउंड लेवल तक, इतने ग्राउंड जीरो तक सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक यह सैंपल लिया गया है, इस तरह से किया गया है। यह सबसे विश्वसनीय और गारंटीड ओपिनियन पोल। और आपको बता दूं मैं कि इस वक्त इस पर बात करने के लिए जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज है और जितना ऑथेंटिक है, उतने ही ऑथेंटिक फेसेस और उतना ही बड़ा पैनल इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपको मिलेगा। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तुहिन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता और संदीप और शिव पोलस्ट्रैट के दो पोल एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये पोल ओपिनियन पोल आगे बढ़ा है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर सीटें भी बहुत ज्यादा हैं और जहां पर पॉलिटिकल बज भी बहुत ज्यादा है, हम ओपिनियन पोल की शुरुआत उसी स्टेट से करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है 2024 की इस लड़ाई में, और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है सबसे पहले आपके सामने, और ये नतीजे बहुत इंटरेस्टिंग है ओपिनियन पोल के। आप देखिए बीजेपी 20 सीटें हासिल कर सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक, कांग्रेस को 1, TMC को 21, लेफ्ट 0, अदर्स 0। देखिए पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत क्या कहता है ये वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत में कहानी छुपी हुई है। पश्चिम बंगाल में क्या तस्वीर बदल रही है, बीजेपी को देखिए 36.01% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 4.86%, TMC को 40% वोट, लेफ्ट को 6.4% और तय नहीं 12.32% है, ये है वोट प्रतिशत। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी वो सीटें हैं जहां पर जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको पश्चिम बंगाल की इन 42 सीटों के बारे में बताते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्दी से PCR यहां पर लेकर आइए। ये देखिए कूच बिहार, मालदा दक्षिण, बैरकपुर, जादवपुर, आरामबाग, बांकुड़ा, ये सीटें आप सीटें किसके पास जा रही है ये भी देखिए। कूच बिहार बीजेपी, मालदा दक्षिण TMC, बैरकपुर बीजेपी, जादवपुर TMC, आरामबाग बीजेपी, बांकुड़ा बीजेपी, अलीपुरद्वार बीजेपी, जंगीपुर TMC, दमदम TMC, कोलकाता दक्षिण TMC, तामलुक बीजेपी, विष्णुपुर बीजेपी, और देखिए कृष्णानगर की सीट, बहरामपुर की सीट, ये सीटें हैं जिस पर के बारे में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख करें, लेकिन शिव मैं आपसे कहूंगी कि आप बहरामपुर के जो आंकड़ा है वो निकालें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, ये तस्वीर दिखाई दे रही है, यहां कुछ गेन तो हो रहा है बीजेपी को पिछली बार की तुलना में, लेकिन उतना नहीं है जितना बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए दावा करना एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी अगर पिछली बार से अच्छा कर रही है, थोड़ा आगे जा रही है, हालांकि मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि बीजेपी और TMC के जो वोट परसेंट हैं इसमें 4-5% का फर्क है जी, और सीटें जबकि करीब करीब बराबर हैं,
तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बदलेगा, अभी तस्वीर बदलेगी। राजेश जी तस्वीर बदलेगी, लेकिन किसके पक्ष में? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात जो है प्रशांत किशोर ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरेंगे। लेकिन आपका जो दिखाता है ये जो पोल है, पिछले बार उनको 18 सीटें मिली थी, 2 सीटें आपके पोल से बड़ी। लेकिन तस्वीर बदल सकती है, बदल कैसे सकती है वो हमें गौरव बताएंगे। बिल्कुल। और देखिए, बहरामपुर बहुत अहम सीट है, जल्दी से अपने पोल एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, क्योंकि शिव और संदीप हमें ये बता रहे थे कि 10 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां 5% का अंतर चल रहा है, यानी ये स्विंग वोट किधर भी जा सकता है, वहां मुकाबला टाइट है। और क्योंकि ओपिनियन पोल बहुत होंगे आपके सामने, लेकिन एक ऐसा ओपिनियन पोल जो सबसे साइंटिफिक है और सबसे ट्रांसपेरेंट है, वो केवल और केवल टीवी 9 और पोल स्ट्रेट का ओपिनियन पोल है, जो आपके सामने हम अपनी मेथोडोलॉजी भी लेकर आए हैं। आप देखिए, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके जरिए एक एक लोकसभा के अंदर आने वाली एक एक विधानसभा सीट, जैसे अब ये बहरामपुर का इलाका आपके सामने है, तो इसमें हम इसमें पड़ने वाली असेंबली, 7 असेंबली सीट्स भी यहां पर दिखा रहे हैं। उस असेंबली में बुरवान हो गई, कांड हो गया, भरतपुर हो गया, ये जो बहरामपुर के अंदर विधानसभा सीटें पड़ रही हैं, एक एक विधानसभा में जाकर हमने ओपिनियन पोल किया है। सैंपल साइज आप देखेंगे, केवल बहरामपुर का तो 3710 आता है। ये आपके सामने मेथोडोलॉजी टीवी 9 के इस ओपिनियन पोल को सबसे अलग करती है, ये आंकड़े, ये टेक्निक। शिव और संदीप, जरा बताइए, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बहरामपुर में क्या स्पेशल दिख रहा है आपको, या पश्चिम बंगाल में क्या स्पेशल दिख रहा है? दिखाइए जरा आपके। जी बिल्कुल, अब बहरामपुर में की अगर आप बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर, जो असेंबली सीट मैं आपको अगर दिखाऊं तो 3 सीटें हैं जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है, उसमें असेंबली सेगमेंट में 3 सीटें हैं जो टीएमसी जीत रही है, और एक उसमें सीट है असेंबली सेगमेंट जो एक्चुअली बीजेपी आ गए हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन होगा जहाँ तक वेस्ट बंगाल की का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बोला 10 सीटें हैं, 10 से बल्कि ज़्यादा होंगी, करीबन हमारे हिसाब से 14 सीटें, 13 या 14 सीटें हैं जहाँ पे 5% का मार्जिन है, जो आप अगर परसों भी जाएंगे तो थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं संदीप कि 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी किधर भी जा सकती हैं? हाँ जी, क्योंकि ये लंबा चुनाव है और वेस्ट बंगाल का चुनाव कुछ सीटों का कुछ फेज में है, तो 5% के अंदर वाली सीटें कहीं भी बैठ सकती हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होती है क्रेडिबिलिटी, और ये होता है इन डेप्थ रिसर्च सुमेरा जो टीवी 9 लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए। और ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये ओपिनियन पोल अगर 25 लाख का अगर हमारे पास सैंपल साइज है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है, ये यहां पर शुद्धता के साथ है, ये बिना किसी ऊंच नीच के आपके सामने जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे गए हैं, ताकि आपके सामने रियल पिक्चर आए। सुमेरा जी हाँ, क्योंकि हम ये भी बता रहे हैं आपको कि किस विधानसभा सीट में कौन सी पार्टी आगे जा रही है, किस विधानसभा सीट से किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है, और ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको जब हमारा सर्वे दिखा रहे हैं तो हम आपको एक एक आंकड़ा बता रहे हैं। तुहिन हमारे साथ मौजूद है। तुहिन, बीजेपी को बढ़त मिल रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो हमारा सर्वे दिखा रहा है, आपको क्या लगता है इससे और ज्यादा बढ़ेंगे आप, क्योंकि 5% के मार्जिन वाली सीटें भी बहुत बड़ी संख्या में है पश्चिम बंगाल में? नमस्ते सुमेरा जी, सबको नमस्ते, गौरव जी को नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इतने भव्य स्तर पर 25 लाख सैंपल साइज जो है वो अद्वितीय है इस प्रकार का रिसर्च। लेकिन देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि मोमेंटम हमारे पक्ष में है, और अभी चुनाव आरंभ भी नहीं हुआ है, पहले चुनाव में जो 19 को होना है उसमें भी 3 दिन बाकी है। तो इसी वक्त जो है, अगर मोमेंटम इतने स्पष्ट तौर पर हमारे साथ है, तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वो मोमेंटम बढ़ता जाएगा। जो 36% आप दिखा रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें एक बड़ा इजाफा होने वाला है, 40% कम से कम जो है वो, और ज्यादा इजाफा होगा। तो इन आपको रोकना चाहेंगे, हम बिहार का आंकड़ा भी बता देते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि आंकड़ा बता रहे हैं हम, उनके बारे में बात भी करते रहेंगे। तो बिहार की तस्वीर क्या कहती है, ये वो बता देते हैं। बिहार का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, कुल सीटें 40 बिहार की, लेकिन हमारा जो ये फाइनल ओपिनियन पोल है इसमें क्या तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है। बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1, जेडीयू को 8 सीट, आरजेडी को 7, एलजेपी को 4, हमको 1, आरएलएम को 1, के पास कुछ नहीं, और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त बिहार की। बिल्कुल, जल्दी से वोट परसेंटेज आपको बताते हैं, वोट परसेंटेज की कहानी क्या है आपके सामने लेकर आ रहे हैं टीवी 9 पोल स्ट्रेट के ओपिनियन पोल में। एनडीए को करीब 42%, इंडिया को करीब 31%, अदर 5.5%, और तय नहीं
21% अभी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तय नहीं है, और यह बहुत अहम आंकड़ा है। जल्दी से आइए बिग वॉल पर, आपको वो फिर से एक बार सीटें दिखाते हैं, बिहार की इन तमाम सीटों में किसके पास किसकी कौन सी सीटें जा रही हैं। और इस बार आरजेडी और कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन है, तो वो भी जेडीयू से कुछ सीटें छीनते दिख रहा है। जैसे वाल्मीकि नगर देख लीजिए आप नीचे आइए, यहां पर जहानाबाद देख लीजिए, आप इधर आइए वैशाली देख लीजिए। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग सीट दिखाई दे रही है, पूर्णिया की सीट इंडिपेंडेंट के पास जा रही है, तो क्या ये पप्पू यादव है इंडिपेंडेंट के पास जा रही है ये सीट, पूर्णिया की सीट पप्पू यादव? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट पूर्णिया। जल्दी से अपने पोल एक्सपर्ट्स के पास बात चलते हैं, क्या पप्पू यादव है पूर्णिया से वो इंडिपेंडेंट संदीप जो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से तो उनको टिकट मिल नहीं पाई? पूर्णिया से पप्पू यादव ही हमारे सर्वे के हिसाब से आगे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं करीबन 51% हमारे हिसाब से इंडिपेंडेंट को मिल रहे हैं यहाँ पर। बीमा भारती नहीं जीत रही, जेडीयू के कैंडिडेट नहीं जीत रहे जी, जेडीयू का यहाँ पे 30% वोट मिल रहा है, आरजेडी को करीबन 16। शिव आप वो आंकड़ा निकाल लीजिए, आप मैं वो डेटा दिखाता हूँ, जल्दी से लाइए यहाँ वॉल पर, वो वॉल पर आते जाते हैं और पूर्णिया भी बात करते हैं। शिव वो बताइए जरा यहाँ पर पूर्णिया में आपका रिसर्च, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, एक बार जरा वॉल पे दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए, इस वॉल पे दिखा दीजिए, उसके बाद वो जो आप वहां से अपने आप करिए। तो ये पूर्णिया इंडिपेंडेंट पप्पू यादव ने आंसू भरी आंखों से जो वोट मांगे थे, क्या वो असर करता हुआ दिख रहा है? आप देखिए यहां पर अब जो इनका ओपिनियन पोल कहता है वो 51% इंडिपेंडेंट यानी पप्पू यादव को वोट मिल सकते हैं, आरजेडी को 16% बी और जेडीयू को करीब 29%। शिव ये ओपिनियन पोल कब किया गया? पप्पू यादव की टिकट ये अनाउंस नहीं हुई थी, फाइनल नहीं, उसके बाद हुआ ये सब, बीमा भारती की टिकट अनाउंस होने के बाद। बिल्कुल, तो क्या निकल कर आया इसमें? पप्पू यादव इंडिपेंडेंट हमारी तरफ से आगे हैं, और यहाँ पे आपने जैसे देखा 29% जेडीयू, भाजपा 3% और आरजेडी 16.5% पे है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हर असेंबली में इंडिपेंडेंट जीत रहा है, ना कि सिर्फ किसी कुछ, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 विधानसभा सीटें हैं पूर्णिया लोकसभा सीट में, और इन 6 लोकसभा विधानसभा सीटों में सब पे पप्पू यादव जीत रहे हैं। मतलब इतने माइन्यूट तरीके से आप गए, आपने एक एक विधानसभा कवर की है, और एक एक विधानसभा का आप देख सकते हैं हर पार्टी का यहाँ पे वोट शेयर आ रहा है, कौन सी पार्टी किस विधानसभा क्षेत्र में आगे पीछे वो आपको देखने को मिलेगा हर पूरे देश में और सारी लोकसभा सीट। क्या बात है, क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। सुमेरा आपके पास, लेकिन पूर्णिया में जो ये तस्वीर बदल रही है, पप्पू यादव जीत रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योति जी ये जो गठ आपने शामिल कराया पप्पू यादव को, और फिर उनके साथ खेल हो गया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल हुआ है, मैं भी यहीं पर रहूंगा, और देखिए वो साबित भी कर रहे हैं, तो उनको ही टिकट देना क्या बेहतर होता? देखिए आप जो पूरा ये बिहार के लिए आप दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, भागलपुर से आता हूँ, आप जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो 40 सीटों का बता रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो कांग्रेस के महाराजगंज, सासाराम, बेतिया, पटना सिटी, ये सीटें तो हमारी अभी घोषणा भी नहीं हुई है, और आप उन पर भी आपने सर्वे करा लिया, किस आधार पर किया मैं नहीं जानता हूँ। अब अगर आप सीटों की बात करें कांग्रेस को, आप मैं आ जाऊंगा पूर्णिया पर भी आ जाऊंगा, आप लोग का इंटरेस्ट वहाँ है ना, लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो सब पर बात कर लें हम, क्योंकि आप इस सीटों का, क्योंकि ये मैसेज तो लोगों को भी जा रहा है, तो लोगों को ये भी मैसेज जाए ना कि अभी तक तो सीट भी नहीं गई और यहाँ ये एनालिसिस भी हो गया, तो आप मुझे बताएं कि किशनगंज में क्या होगा, आज भागलपुर की स्थिति है, अररिया में बीजेपी हार रही है, सारी सीटों का जवाब है, कटिहार में पप्पू यादव पे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? पप्पू यादव को टिकट ना दिलवा पाना क्या आपके लिए गलत साबित होगा? या गुमराह नहीं कीजिए, यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू दोनों हार रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो चरित्र नीतीश कुमार का रहा है, पलटने का, उलटने का। और ज्योति जी जो पसंद आए वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पप्पू यादव पे क्यों नहीं बोल पा रहे आप? आपके बात पर आ रहा हूँ, तो आइए जल्दी आइए, टाइम नहीं है, जल्दी आइए जी, आने दीजिए ना लोगों को मैसेज जाने दीजिए। ज्योति जी एनालिसिस किस लिए है? ज्योति जी वोट करें, हमारी सारी को वोट है, ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है हमारा, आपके अगर ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है कि हमारे एनालिसिस को देख के कोई वोट करे, हम तो जनता के मन की बात बता रहे हैं हुआ है, और आप एनालिसिस दिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इन सीटों पर जीत रही है, हम बता रहे हैं आपको, कारण बता रहे हैं। ज्योति जी देखिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ओपिनियन पोल है वो ये दिखा रहा है। सुनिए सर, पहले आपने बोला सर,
अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब सुन लीजिए। अगर मैसेज जेडीयू को जहाँ नुकसान हो रहा है, जहाँ बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहाँ आरजेडी को वोट मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, और आप ओपिनियन पोल ये बता रहा है, उस पर जवाब दीजिए ना। मैं तो दावे के साथ बता रहा हूँ, भागलपुर हम जीत रहे हैं, बताइए कटिहार जीत रहे हैं, बांका जीत रहे हैं, आप सुन नहीं रहे ना, आप सुनना नहीं चाहते, हम अगले राज्य की तरफ जाते हैं, नहीं आप सुनना नहीं चाहते, जवाब नहीं सुन रहे, जो हमको पसंद हो वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मध्यप्रदेश की बात करते हैं, हो गया अभी आते हैं, हो गया सर, आगे बढ़ते जवाब मिलेगा, आगे बढ़ते, जो हमको पसंद आए वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, पसंद आए ना आए, जो जनता की राय है वही रख रहे हैं, मोहर भी लगेगी, नहीं सर रुकिए, अभी रुकिए सर, जनता की राय हमने घर सर अभी सर इस पे लंबा नहीं खींचते, मध्य प्रदेश लाइए मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है आपके सामने आ चुका है, बीजेपी 29 सीटें जीत रही है मध्य प्रदेश में, यह ओपिनियन पोल कहता है टीवी 9 का, बीजेपी छिंदवाड़ा सहित सारी 29 सीटें जीत रही है, आप परसेंटेज दिखाइए जरा। तो देखिए ये तस्वीर है, इसमें कुछ सीटों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले गुजरात की जो आंकड़ा है वो भी बताएंगे, उससे पहले वोट प्रतिशत देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वोट प्रतिशत क्या कहता है, एनडीए को 61% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 26% वोट मिल रहा है, और तय नहीं है जो अनडिसाइडेड वोटर है वो लगभग 11.50% है, 5% है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की, इसके बाद गुजरात की सीटें भी आपको बता देते हैं, गुजरात की तस्वीर क्या कह रही है, तो यहां पर भी एक तरफा दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में, जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, गुजरात की कुल सीटों में से सारी सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कुल सीटें 26 हैं, सब की सब बीजेपी के पास जा रही हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को कोई यहां पर सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात सुमेरा पूरा क्लीन स्वीप है। वोट प्रतिशत भी बता देते हैं गौरव, वोट प्रतिशत जो गुजरात का है वो क्या है, देखिए वो भी तस्वीर बयां कर रहा है इस वजह से किस तरह से बड़ा जो सीटों का संख्या है वो बीजेपी के पास जा रही है, एनडीए के पास 62% वोट मिल रहा है एनडीए को, इंडिया को 24.74% और तय नहीं है 12.64%, ये तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ सीटें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं, और आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि आप उस वक्त ज्योति जी सुन नहीं रहे थे, हमने इससे पहले भी ओपिनियन पोल किया है तब जब कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं थे, अब ओपिनियन पोल किया है और कैसे तस्वीर बदली है जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया है वो भी बताया, हम आगे भी बताएंगे जब तस्वीर बदलेगी वो भी बताएंगे, जहां पर तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है जब आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तब क्या तस्वीर होगी वो भी निकलकर सामने आएगा। तो सर देखिए हम आज के दिन अगर बात कर रहे हैं तो आज के दिन क्या कह रहे हैं लोग वो हम दिखा रहे हैं, तो मैं उस बात मैं उस जगह से हूं, जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, मैं से कोई नहीं गया अभी भागलपुर बांका कटिहार कहीं नहीं गया, मैं घूम के आ रहा हूं, और आप लोगों का कैसे होगा भाई, कैसे होगा, मैं जानता हूं कि अजय मंडल ने क्या किया, मैं जानता हूं कि पिछली बार कितनी सीटें थी आपके पास, कैसे हार रही है मुझे पता है, आपको नहीं पता है, आप बताएं कि बीजेपी कैसे हार रही है, ज्योति जी बताइए बिहार में आखिरी बार डबल डिजिट में कब गए थे आप, पिछली बार कितनी सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास, कितनी सीटें थी आपके पास, और पिछली बार डबल डिजिट में कब गए थे आप बिहार में, एक तो मिल गई ना आपको अभी भी, क्या इतना सीनियर जर्नलिस्ट है आप, पिछले बार को आप अभी से कैसे कंपेयर करती हैं, आज 10 साल का एंटी इनकंबेंसी है मोदी के अगेंस्ट में, मोदी रुकिए, ज्योति जी रुकिए, सारा टाइम आप नहीं खाएंगे, ज्योति जी हो गया, अब रामकृपाल सिंह जी का वोट मिलेगा, नहीं राम का इंटरव्यू, सर रुकिए ऐसा नहीं होता, राम मंदिर मस्जिद के अलावा ज्योति जी ऐसा डिस्कशन नहीं होता, आपको पसंद नहीं आ रहा, हमने आपको बताया था ओपिनियन पोल में बुला रहा है, लेकिन रामकृपाल जी, सर रुकिए, होल्ड ऑन, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए, रामकृपाल जी से सवाल, मुझे ये बताइए सर, एमपी और गुजरात दो स्टेट क्लीन स्वीप जा रहा है, बतौर पत्रकार आपकी क्या टिप्पणी है इस पर, देखिए अगर 62% के करीब आपने दिखाया है मध्य प्रदेश में और 62% ही करीब 63% है गुजरात में, जहां 62 और 63% वोट मिल रहे हों, निश्चित रूप से मुझे लगता है आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है। एक लाइन बिहार के बारे में कह दूं, जैसा कि भी हमारे मित्र कह रहे थे, देखिए बिहार में भी वोट परसेंट 11 का फर्क है, और जहां भी 11% का फर्क होता है, दहाई में अगर वोट परसेंट ज़्यादा किसी पार्टी को मिल रहा है तो यह तय जानिए कि सीटें ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं विनिंग सीटों में। तो अब जैसा कि मध्य प्रदेश में 62% जो पिछली बार ओपिनियन पोल जिस तरह से आया था, मैंने जैसा देखा था कि मोर देन 50% करीब करीब बीजेपी जा रही है हिंदी हार्टलाइन में,
सब जगह 50% से ऊपर इसका स्ट्राइक रेट है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये सीटें यही होंगी। सर, लेकिन बड़ी तस्वीर जो निकल रही है इन प्रदेशों से वो संदीप से भी जान लेते हैं। संदीप, ये बताइए कि गुजरात में एक तरफा सारी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए के पास, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर लोगों का के मन में है सवाल, राजकोट की सीट, भरूच की सीट, वहाँ क्या हो रहा है? राजकोट की सीट पे बीजेपी कंफर्टेबल है हमारे हिसाब से, उसको 62% वोट मिल रहा है। नहीं, ये क्षत्रिय वाला जो हंगामा हुआ है और जिस तरह से पुरुषोत्तम रापाला का जिस तरह से वहाँ पर विरोध हो रहा है उसके बावजूद, हाँ जी, उसके बावजूद हमने ये स्नैप पोल दोबारा लिया था परसों इसको चेक करने के लिए, उसमें 4-5% बीजेपी का वोट डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है, ठीक है। और गुजरात में सिर्फ एक बांसकांठा की सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी अराउंड 52% है, बाकी सब सीटों में कंफर्टेबल, ठीक है। मुझे बताया जा रहा है कि राजस्थान बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है आगे, तो आप हमारे ऊपर आप टोटल टैली भी देखते रहिए। 137 सीटों का ओपिनियन पोल अभी तक हमने आपको दिखाया है, जिसमें 106 सीटों पर एनडीए आगे है, 30 पर इंडिया और अदर्स पर एक, जिसमें एक बिहार की पूर्णिया है जो हमने आपको बताया, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद अब राजस्थान में उनके लिए बहुत कुछ है। राजस्थान बहुत अहम है, राजस्थान में बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन उसके बाद क्या लोकसभा में वो नतीजे कन्वर्ट होते हैं, ये सीटों का नंबर आपके सामने। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 19 सीटें बीजेपी जीतती दिख रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आरएलटीपी को 1, सीपीआईएम को 1, बीएपी को 1, अगर इसको इंडिया से जोड़ेंगे तो 19 यहां पर बीजेपी की तरफ जाती दिख रही हैं, जबकि दूसरी जो कुछ इंडिया है वहां पर उनको यहां पर गेन हो रहा है, जबकि राजस्थान में बीजेपी के पास पिछली बार 24 सीटें थी, 19 यानी 5 का नुकसान। वोट परसेंटेज पे आते हैं, वोट परसेंटेज लाइए पीसीआर यहां पर, और ये राजस्थान का वोट परसेंटेज आपके सामने देखिए, एनडीए यहां पर 48.59 करीब 50% के आसपास, इंडिया 40% के आसपास, अदर्स 2.7, और हमने इस लेवल तक जाकर यहां डिटेलिंग की है कि हमने तय नहीं वालों को भी जगह दी है, और ये करीब 10% ऐसे लोग हैं जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो एनडीए को वोट देंगे या इंडिया को, तो हम ये कह रहे हैं, ये राइडर है हमारा, कि तस्वीर बदल सकती है, लेकिन अभी के ओपिनियन पोल में ये दिखता है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और ये बिग वॉल आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं, और ये बड़ी सीटें इसमें देखिए, जहां पर दौसा कांग्रेस जीत रही है, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत जहां से वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है, नागौर की सीट आरएलपी के पास जा रही है, देखिए ये तस्वीर यहां पर कुछ बदल रही है, एक बहुत बड़ी सीट है बाड़मेर जहां पर रविंद्र भाटी इंडिपेंडेंट खड़े हैं और ये वो जीत सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है ओपिनियन पोल में। सीकर की सीट देखिए सीपीआईएम के पास जा रही है, यहां तस्वीर बदलती हुई दिखाई, तो इन सीटों के बारे में बांसवाड़ा भी उधर सुमेरा, सीकर की सीट, बांसवाड़ा की सीट जो बाप के पास जा रही है, नागौर की सीट जो आरएलपी के पास जा रही है, ये सीटें जो तस्वीर बदल रही हैं और इनके बारे में, बाड़मेर की सीट देखिए वहां पर मौजूद है, तो ये जो सीटें हैं यहां पर तस्वीर बदलेगी, जोधपुर में जो सीट है वो कांग्रेस के पास जा रही है, दौसा की सीट कांग्रेस के पास और, जा रही है। और अभी एक दो दिन पहले सुमेरा गजेंद्र सिंह हमारे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो हाथी पर चढ़कर गए थे एक जनसभा में, उन्होंने कहा कि ये तो कार्यकर्ताओं का प्रेम था, उन्होंने हाथी पर चढ़ा दिया, लेकिन वोटर उनको कुर्सी पर, जीत की कुर्सी पर नहीं चढ़ा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। संदीप, जोधपुर क्यों कांग्रेस जीत रही है, क्यों बीजेपी हार रही है? शिव आप निकालें, संदीप निकालें जोधपुर की सीट का आंकड़ा। शिव और संदीप जी, जोधपुर में आप देखें आईएनसी अभी 48.6% पे है, जोधपुर में भाजपा जो है 43.18% पे है, यहाँ पर यहाँ पर दिखाइए एक मिनट मुझे बस एक जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जोधपुर की सीट का जो आंकड़ा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, कैसे ये वो सीटें, देखिए 6 सीटें जहां पर फिलहाल जो तस्वीर है वो राजस्थान में बदलती हुई दिखाई दे रही है, तो देखिए ये आ गई है जोधपुर की, जो आंकड़ा है वो यहाँ पर आ गया, और जोधपुर की सीट का देखिए हमारा ये ओपिनियन पोल कैसे डिफरेंट है आपको ये बताते हैं, ये असेंबली सीट्स हैं जो जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, ये असेंबली सीट, और इसमें देखिए ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये जहां 58% वोट मिल रहा है, यहां पर जब आपको डार्क रंग दिख रहा है यानी कि यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इतनी क्रेडिबिलिटी और इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि फलौदी की जो सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी को अब बढ़त मिल रही है, लोहावाट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा है वहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। शिव देखिए यही है अंतर हमारे ओपिनियन पोल का कि हम हर विधानसभा में भी बता रहे हैं कि कहां बढ़त है और कहां नुकसान है, तो कांग्रेस पार्टी को ये फलौदी, लोहावाट, शेरगढ़ यहां पर बढ़त मिल रही है, और इसके तो ये तस्वीर है, यही है जो हमें डिफरेंट बनाता है हमारे इस ओपिनियन पोल को। शिव बताएं आप, यही है ना तस्वीर, देखिए यहां से
यहाँ से हम पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसे देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जोधपुर जो सिटी के पास में है, जो अर्बन सेंटर है, वहाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। बाकी जो बाकी जोधपुर का इलाका है, जो बाकी क्षेत्र हैं, उसमें नहीं मिल रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए जो सरदारपुरा है वहाँ पे भी बीजेपी सिर्फ अभी 1% से भी कम के मार्जिन पर है। इसलिए येलो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 54% के पास है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन है, 58% पे बहुत ज्यादा मार्जिन है। और आप यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 16,000 रिस्पॉन्सेज लिए हैं, लोग 16,000 लोगों ने बताया कि वो किसको वोट करेंगे। तो देखिए इतनी डिटेल में और इतने ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो तक हमने विधानसभा भी आपकी क्या है, हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि आप जान सकते हैं हमसे गौरव, हम विधानसभा में क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। सुमेरा, ये एक मैमथ टास्क रहा होगा इनके लिए, क्योंकि बाड़मेर देश की दूसरी, क्षेत्र के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। 16,000 लोगों का सैंपल तुहिन, बीजेपी 24 से 19, 5 सीटों का नुकसान, और वो भी तब जब आपने अभी हाल ही में वहां पर भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीता है, क्या कारण नजर आता है? देखिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं राजस्थान में भी हमें 23 से 25 सीटें मिलेंगी। अगर लोकल कैंडिडेट को लेकर कुछ इश्यूज हैं तो वोट के दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने वाला है। अभी 4 महीने पहले तक राजस्थान की जनता ने देखा है कि जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने की थी वहां पर, वो जो अराजकता वहां पे था, तो कांग्रेस से वो कोसों दूर रहना चाहेगी। और मुझे यकीन है कि वोट के दिन जो है वो मोदी जी के नाम पर 23 से 25 सीटें आप लेकर चलिए। राजस्थान जो, चूंकि वो सारे जो आसपास के राज्य हैं, नहीं तो वो दो सीटें कौन सी है तो इन जहां आप मार्जिनल एक ब्रेकअप ब्रेक रखना चाह रहे हैं कि भाई 23 से 25 यानी दो सीटें कौन सी हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ भी ना भी? मेरा कहना इस वक्त उचित नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनल जो है पार्टी में ये डिस्कशंस जो भी हैं वो बाहर साझा करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन 23 से 25 जो है मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, देखिए प्रो इनकम्बेंसी जो है आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अगर जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसमें प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ रहे हैं तो जो भी जो आपके फैक्टर्स हैं इस वक्त जो आपके सर्वे में आए हैं उसका कोई असर खास होने नहीं वाला है इलेक्शन के दिन। इसमें बहुत संक्षिप्त में शायद संदीप कुछ कहना चाहते हैं, संदीप जी बोलिए। सीकर की सीट पे सिर्फ सीपीएम का मार्जिन 1.5% है, 1.5। नागौर की सीट पे आरएलपी 4% से आगे है, और जोधपुर की सीट पे भी सिर्फ 5% का गैप है, तो ये सीटें बदल सकती हैं। गैप बहुत कम है। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की, पंजाब की तस्वीर क्या कह रही है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, वो आइए आपको बता देते हैं। पंजाब की कुल सीटें 13, यहाँ क्या तस्वीर पिछले ओपिनियन पोल की तुलना में अब बदली है या नहीं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये तस्वीर है, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं और श्रोमणी अकाली दल को 1 सीट मिल रही है। लेकिन देखिए बीजेपी को यहां पिछली बार की तुलना में फायदा हो रहा है, 2 सीट का फायदा होता हुआ पंजाब में बीजेपी को दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ज्योति जी, आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो क्या फायदा होता और आपको कोई फायदा यहां नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए आप उन स्टेटों में ही कांग्रेस की बात आप पूछ रहे हैं जहां पर इस तरह की बातें हैं। आपको मैं बताऊं, अगर आप भी सर्वे कर रहे हैं तो जिन उन बातों पर भी तो सर्वे कर रहे होंगे ना कि 2014 से 24 के बीच में क्या हुआ। 2014 से 24 के बीच जो प्रधानमंत्री जिन बातों को बोले थे वो बातें हो पाई है कि नहीं हो पाई है? उन्हीं बातों पर महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं बातों पर तो होगी ना। और जब इन बातों पर होगी तो लोग ये बात को देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेके जा रही है तो इनको भी वोट करेंगे। तो इसमें सारा जो आंकड़ा जो आप जीरो दिखा रहे हैं, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करेंगे। गौरव, आपको जो सीट निकलवानी है आंकड़ा वो निकलवा लीजिए, फिर ज्योति जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं चाहता हूं कि जालंधर, जहां पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट मिला है वो दिखाएं शिव, और इसके अलावा लुधियाना और अमृतसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उनके बारे में आप बता सकें, क्योंकि यहां पर ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लुधियाना में गौरव आंकड़ा निकाले, ज्योति जी अपनी बात पूरी कर ले। तो मेरा कहना क्या है कि लोग जब इस बार वोट कर रहे हैं तो इस बार वोट कर रहे हैं एनालिसिस करके वोट कर रहे हैं कि जो बात नरेंद्र मोदी बोले वो पूरा किए कि नहीं किए, और उन मुद्दों में अपना इनका जो घोषणा पत्र है उन घोषणा पत्र में नौकरी की, बेरोजगारी की कोई बात नहीं की है, महंगाई की कोई बात नहीं की है। तो इन बातों को जब देखेंगे लोग और वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% लोग कांग्रेस और आप दोनों मिलाकर जब पोलिंग करेंगे जहां पर बीजेपी को जो लोग हरा रहा होगा उस लोग उसको वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन बड़ा स्ट्रेटजी अलायंस यहां पर आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटजी के तहत नहीं हुआ पंजाब में। अब नहीं हुआ उसका क्या असर होगा? लेकिन देखिए हमारे सामने इस वक्त
जो यहां पर सीट आ चुकी है वो आपके सामने है। ये हम यहां पर सीट लेकर आए हैं आपके सामने जालंधर की, और जालंधर में इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को वहां पर टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और रिंकू जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो आ गए बीजेपी में। एक बार जल्दी से आइए यहां पर, आप देखिए जालंधर में हम आपको असेंबली दिखा दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विधानसभा सीटें हैं जालंधर में, 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों में आप बीजेपी को देखें तो 1, 2, 3, 4 पे बढ़त मिल रही है, 5 पे नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत रही है वहां से जालंधर से। शिव जी बिल्कुल, जो उनका मार्जिन है इन दोनों सीटों पे 41-44 और बाकी आप देखेंगे 39-34, हाँ। जो आप चारों सीटों पे देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा, बाकी सीटों में आप देखेंगे किसी भी पार्टी का ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कोई भी 20-22-25% से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मतलब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो बीजेपी में आए वो चन्नी जी को हरा देंगे, ये कह रहे हैं आप? अभी तक चन्नी जी की अभी बहुत रिसेंटली नॉमिनेशन हुई है तो हो सकता है उसका फैक्टर अभी देखने को मिले आगे इलेक्शन में, लेकिन अभी तक जो हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से, यहाँ ये जरा यहाँ कैमरा यहाँ इनको नहीं, मुझे ये बताइए क्या यहाँ पर स्विंग वोटर्स हैं, कुछ हैं यहाँ पर नंबर्स हैं कुछ आपके पास? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विंग वोटर्स बहुत कम है, 2.72% है, लेकिन कैंडिडेट डिक्लेरेशन के बाद बहुत चेंजेस होते हैं इलेक्शन में, जो वो वादे करेंगे एक एक कैंडिडेट अपने अपने और अपनी एक पर्सनालिटी दिखाएंगे उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे भाजपा आगे है। ठीक है राजेश जी, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका, आप क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए ऐसा है कि पंजाब में आपकी जो ये सर्वे है ये 8 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है, उस पर सबसे कम बात आप कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिलना, आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उसका कहां से कहां तक पहुंच जाएगी वो, उस पर बात होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को जो 4 सीटें मिली है जो अपने अभी डिक्लेयर नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो मिल रही हैं उसका असर राजनीतिक जो है वो क्या पड़ेगा उस पर बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें आप दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई वो नहीं है। नहीं, एक चीज और ध्यान में देखनी चाहिए, ये जो ओपिनियन पोल है केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद हुआ है जी, बाद में। तो क्या उसका भी असर है इस सर्वे में? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कितना असर। मैं सिर्फ अगर जालंधर की मैं बात करूं क्योंकि ये खुला हुआ है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, बीजेपी यहां पे जीत जरूर रही है लेकिन यहां पे इस सीट पे सेकंड पार्टी कौन सी है? एसएडी, शिरोमणि अकाली दल, यहाँ पे बाकी सारी जितनी आप असेंबली सेगमेंट्स देख रहे हैं वहाँ पे लीड कर रही है। और जहाँ तक ये बात आम आदमी पार्टी के रेस की है, बिल्कुल यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज हर सीट पे देख लीजिए आम आदमी पार्टी आगे है। ये इसलिए भी है क्योंकि एक आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, दूसरी बात यहाँ पे 4 लोग एक साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एक ही सीट पे, जहाँ पे भी किसी सीट पे भी अगर कोई भी पार्टी 30% के ऊपर या 25% के ऊपर वोट ला पा रही है तो वो आगे है। ठीक है संदीप, जल्दी से 5 सेकंड। पंजाब में हमें देखने में ये मिला अर्बन सीटों पे बीजेपी आगे है और रूरल सीटों पे 3-4 कॉन्टेस्ट। ठीक है सुमेरा, ठीक है अब हम अगले राज्य का रुख कर लेते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाएंगे। सबसे पहले झारखंड का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, झारखंड का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। देखिए झारखंड की जो कुल सीटें हैं वो 14 सीटें हैं लेकिन बीजेपी के पास जा रही हैं 12 सीटें, और जो कांग्रेस जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन है उसमें देखिए आजसू एक सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी सिर्फ एक सीट इंडिपेंडेंट के पास जा रही है। ये देखिए वोट प्रतिशत भी आइए आपको दिखा देते हैं, जेएमएम को एक सीट मिल रही है, अन्य को एक सीट मिल रही है, बीजेपी को 12, और वोट प्रतिशत क्या कहता है झारखंड का वो भी आइए तस्वीर आपके सामने आने वाली है। तो देखिए ये हमारे सामने आ गई तस्वीर, एनडीए को 46% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है, अन्य के खाते में 5% और तय नहीं है 19.49%। देखिए तय नहीं वोटर भी एक बड़ी तादाद है और इसी वजह से जैसे जैसे मुद्दे बदल रहे हैं, ये लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन है, मुद्दे भी बदल रहे हैं और समीकरण भी किसी हद तक और 20% के आसपास तय नहीं, ये बहुत बड़ा फिगर है, ये किसकी तरफ जाएगा ये देखना होगा, ये 19% वोटर है। इसके बाद अगले राज्य की बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं, एक सीट जो जेएमएम जीत रही है और एक अन्य वो भी आपको बाद में बताएंगे, उसका भी तस्वीर साफ करेंगे। बीजेपी को सबकी सब सीट मिल रही है छत्तीसगढ़ में, 11 की 11 सीटें बीजेपी के पास जा रही है, यानी यहां पर कोई भी दिग्गज इस तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी, यहां भी एक बहुत बड़ा नाम है पूर्व सीएम भूपेश बघेल, इसका मतलब राजनांदगांव लग रहा है वो सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वोट प्रतिशत क्या कहता है छत्तीसगढ़ का वो भी दिखा देते हैं और फिर इन सीटों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए इंडिया के पास 58% वोट आ रहा है, इंडिया गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है और तय नहीं 13.15% है। शिव आप झारखंड में जो सीट अन्य इंडिपेंडेंट के पास जा रही है, शिव अगर आप वो आंकड़ा निकाल कर रखेंगे तो हम उसके बारे में, ये झारखंड में 2 सीटें बहुत अहम है, जेएमएम को आपने एक सीट दी है, राजमहल गिरिडीह दिया आपने इंडिपेंडेंट को, दोनों सीटें आप निकालिए। तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक टोटल क्या पिक्चर आपके सामने आई है। बिग पिक्चर ये कहती है कि 200 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आया है जिसमें से 152 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है, जबकि
कांग्रेस सहित जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, उसके पास 44 सीटें जाती दिख रही हैं और चार अदर्स के पास जा रही हैं। 200 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है, लेकिन ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे जब अभी हम आगे बढ़ेंगे साउथ इंडिया की तरफ। तमिलनाडु अभी आने वाला है जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है। शिव, आपको निकालना है राजमहल सीट जेएमएम के पास जो जा रही है और गिरडी की जो सीट है, एक एक करके दोनों सीटों का आंकड़ा हमें दिखाइए झारखंड से। मैं आ रहा हूं, तो अभी आ रहा हूं आपके पास। शिव बताइए, राजमहल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब तक शिव जब तक निकाले तब तक तुहिन कुछ कहना चाह रहे हैं। तुहिन बोलिए, क्या कह रहे थे आप? खंड का मुझे थोड़ा सा आपका आंकड़ा गलत लग रहा है। पिछली बार जो है 56% एनडीए को मिला था और आप सीट उतना ही दे रहे हैं। उस बार भी एनडीए को उस बार 13 मिला था, बीजेपी को 12 और 1 800 को मिला था। इस बार भी भाजपा का जो है उतना ही सीट है, लेकिन 10% अगर आप कम दिखा रहे हैं वोट शेयर, वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। मैं उसमें एक 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 यहां पर राइडर है स्टोइन की, हमने यहां पर करीब 20% वोट शेयर दिखाया है जो अभी तक अनडिसाइडेड है। हो सकता है कि वो वोट आपके पास जाए, हो सकता है आपके पास ना जाए। सीटें कम नहीं हुई हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर आया है। मैं चूंकि मैं झारखंड की राजनीति से करीब से जुड़ा हूं, मैं आपको कह सकता हूं इस बार जो नाराजगी है हेमंत सोरेन के खिलाफ, जो उन्होंने स्कैम किए हैं, लेकिन तुहिन हेमंत सोरेन की जो सीट है भाजपा को आने वाली, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, राजमहल जीत रहे हैं, इसके अलावा गिरडी एक जो इंडिपेंडेंट है वो जीत रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है, लेकिन वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट। तो मेरे ख्याल से मई में दोनों जगह जो आप बता रही हो, मई में चुनाव होने हैं, 2-3 हफ्ते बहुत होते हैं वहां पर, तो इसीलिए वो इस बार जो है 13 बीजेपी और 1 800 पूरा क्लीन स्वीप होने वाला है। झारखंड में केवल एक सीट जो था वहां पर, तो इसी वजह से तो ये सवाल तो आपसे है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो एक्शन हुआ, क्या उसका फायदा मिल रहा है उस एक सीट पर उनको? वो लग रहा होगा ऐसा आपको, लेकिन है नहीं वैसा। जो भाजपा ने भी बहुत मेहनत किया है पिछले 4-5 सालों में वहां पर, और जो स्कैम है, देखिए इतना खुला स्कैम है कि अगर हेमंत सोरेन जो है सिंपथी कार्ड प्ले भी करते हैं, तो जो जागरूकता भाजपा ने फैलाया है वहां वोटर्स में, आज आदिवासी वोटर भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने केवल और केवल आदिवासी समुदाय को लूटने का काम किया। ठीक है, एक मिनट, राजमहल जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर राजमहल आप देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जेएमएम को, यहाँ पर आप देखिए पार्टी वाइज रिस्पॉन्ड काउंट हम आपको दिखा रहे हैं। राजमहल जेएमएम जीत रही है। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 विधानसभा है और इन 6 विधानसभा में जेएमएम 4 पर आगे चल रही है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ आगे चल रही है। केवल 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ये जो है ये तो उनकी परंपरागत सीट है। इसके अलावा पार्टी सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी के पुराने प्रदर्शन से दोहराने से उसको रोक क्यों नहीं पा रही है? शिव जी, मैं तो यही कहूँगा कि ऑन ग्राउंड फैक्टर्स कुछ चल नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। भाजपा, मुझे लगता है ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का वोट हो आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल फैक्टर्स नहीं चल रहे हैं, नेशनल फैक्टर्स चलेंगे। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि केजरीवाल के जेल जाने का सिंपैथी फैक्टर यहाँ आम आदमी पार्टी के पास है, तो वो फैक्टर यहाँ पर हेमंत सोरेन के जेल जाने का क्यों नहीं है? देखिए, पंजाब में और झारखंड में थोड़ा ज्यादा फर्क आ जाएगा। हाँ। पंजाब में क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो वहाँ का भी इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ। बहुत चीजें ऐसी हैं जो पंजाब से दिल्ली के जुड़ाव से रहती हैं, और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, लेकिन जेएमएम थोड़ा दिल्ली से बहुत दूर है और वहाँ पे प्रधानमंत्री की। आप कुछ ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी, मैं वो बता रहे थे कि झारखंड से, मैं झारखंड का इंचार्ज हूँ, मीडिया कम्युनिकेशन वहीं रहता हूँ। आप जो ये बात कह रहे हैं कि ट्राइबल की बात कर रहे हैं, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ है हेमंत के जेल जाने के बाद, सारे ट्राइबल शेड्यूल कास्ट गुस्से में हैं, ये पता नहीं है। वहाँ भी मैं आपको बता दूँ गौरव जी और रोमाना जी कि वहाँ भी आपको मैं बताऊं कि वहाँ भी अभी कांग्रेस धनबाद हमें भी सीट नहीं दिए हैं, अभी हमारा अनाउंस नहीं हुआ है, हमारा अभी रांची अनाउंस नहीं हुआ है, हमारा अभी 4-5 सीटें अनाउंस ही नहीं हुई है। यही सवाल तो सब पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपने कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस किए? चुनाव शुरू हो चुके, लोग मैदान में है ना, वो मौजूद है, लेकिन आप तो वो एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है उनको। सिचुएशन में बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए, ज्योति जी फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी तो मिलेगा दिए हैं, वो कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है कि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाएगा वो जीतेगा, हमारा इंडिया का कैंडिडेट। आप पता कर लीजिए, आपके जितने भी 5-6 हमारे भी 4-5 जीते हैं, बीजेपी को 2 सीट नहीं मिलेगी, 2 सीट नहीं मिलेगी। असम और उड़ीसा का दिखा देते हैं, फिर वापस आएंगे इस पर बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी एक चीज होती है जो चुनाव में पहले दिखाई दे रहा है, मैदान में दिखाई दे रहा है, हालांकि लंबा चुनाव है तो एग्जॉस्टिंग भी है,
थक भी सकते हैं वोटर, लेकिन आपको बताएं सबसे पहले असम का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। असम की कुल सीटें हैं 14, यहां पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो देखिए बीजेपी के पास 11 सीटें जा रही हैं और एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। इसमें कई अहम सीटें हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है, लेकिन वोट प्रतिशत भी देख लीजिए पहले असम का, उसके बाद उड़ीसा की सीटें भी आपको दिखाएंगे। असम का वोट प्रतिशत क्या कहता है, तो देखिए यह है बड़ी तस्वीर। एनडीए को 54.95% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 20.26%, तय नहीं 15% है, तो देखिए बदल सकती है तस्वीर और ये लंबे चुनाव है। अन्य के खाते में 9.28% वोट जा रहा है, ये असम की तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा की सीटें भी देखिए और उड़ीसा का चुनाव बहुत दिलचस्प है। उड़ीसा में पिछली बार की तुलना में 2019 की तुलना में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास 14 सीटें जा रही हैं, बीजेडी के पास 6 सीट है और कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट है, तो देखिए किस तरह से उड़ीसा में तस्वीर बदल रही है। बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेडी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस वहीं पर मौजूद है जहां वो थी। वोट प्रतिशत क्या कहता है उड़ीसा का, वो भी तस्वीर दिखा देते हैं आपको। वोट प्रतिशत से भी बहुत हद तक तस्वीर समझ में आएगी कि क्या तस्वीर है। देखिए एनडीए को 40% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 11.76%, बीजेडी को 32.64% और तय नहीं है 15.38% वोट। ठीक है रामकृपाल जी, असम और ओडिशा, पहले असम की बात करते हैं। असम बहुत इंटरेस्टिंग है और हिमंता बिस्वा सरमा के आने के बाद और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। असम का हमारा जो ओपिनियन पोल कहता है 14 में से 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछली बार 9 सीटें थी बीजेपी के पास। क्या नॉर्थ ईस्ट का किला, जो कभी असम तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्या अभी भी कांग्रेस भेद नहीं पा रही है? निश्चित रूप से, देखिए पहले जो बीजेपी को माना जाता था कि वो हिंदी बेल्ट की एक पार्टी है, हिंदी भाषी की, ये इमेज टूटी है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से, जहाँ पे 373 पहुँच गई। तो भाषा या क्षेत्र के हिसाब से ये माना गया है कि अब बीजेपी उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, यहाँ की एक्सेप्टेड है। रही बात सिर्फ साउथ की, अगर आप ऊपर से नीचे तक टोटल देखें तो बीजेपी का लगातार ऐसे ऐसे इलाकों में बढ़ रही है। अभी एक पंजाब की बात हो रही थी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछली बार पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार 8 सीटें टोटल जो है वो आपको मिल रही है। एग्जैक्टली आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया है और 4 सीटें बीजेपी पा रही है पंजाब में। पहली बार बीजेपी का इस तरह से 4 सीटों के साथ, मैं तो खाता खोलने के बाद तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर 13 सीटों में 4 सीटें बीजेपी है तो पंजाब में प्रसार कर रही है। और जो मैं बताऊं आपको, जो ठीक है सर, केवल एक मिनट और लूंगा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल, ये 3 स्टेट मिला करके कांग्रेस को 31 सीट मिली। लेकिन सर पंजाब में प्रसार जो है वो बहुत सारे लोग जो शामिल हुए हैं दूसरे दलों से आए हैं, बहुत एडवांटेज मिल रहा है वो जो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आप पार्टी वहाँ पर विधानसभा में है जी हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर दिया है कांग्रेस पार्टी को, बढ़ रही है शिरोमणि अकाली दल कम हो रही है। अभी तक के ओपिनियन पोल में एनडीए ने बढ़त ले रखी है, लेकिन अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम TV9 भारतवर्ष के फाइनल ओपिनियन पोल की गाड़ी को दक्षिण भारत की ओर घुमाने जा रहे हैं, जहां से नतीजे बदल सकते हैं। कुछ देर में आपके सामने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र जैसे कई राज्यों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हम आपके लिए कितना बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, कैसे ये ओपिनियन पोल किया गया है। TV9 People's Insight Poll Strat का ये सर्वे है जिसमें करीब 25 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है, यानी सैंपल साइज 25 लाख है। CATI कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू के जरिए लोगों की राय ली गई है, IVR के जरिए, रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई। लोकसभा की 543 सीट पर सर्वे किया गया, लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीटें, समझ रहे हैं आप, 4123 विधानसभा सीटों से यह सैंपल लिया गया है और 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, यानी बिल्कुल रीसेंट, अभी बस कुछ दिन पहले का ही ये सर्वे है। आज हम बात कर रहे हैं 16 तारीख को और वो 1 से 13 अप्रैल तक का सैंपल है। लेकिन आइए जल्दी से अब आपके सामने, अब वो सूबा जो सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, वहां का ओपिनियन पोल, यानी महाराष्ट्र का, बहुत खिचड़ी पकी है पिछले 5 सालों में, बहुत टूट फूट हुई है, बहुत ज्यादा गठबंधन बने और बिगड़े हैं, वो ओपिनियन पोल उस सूबे का क्या कहता है। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी 25 सीटें हासिल कर सकती है, ये ओपिनियन पोल कहता है।
कांग्रेस 5 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट, ध्यान से सुनिएगा, शिवसेना शिंदे गुट 3, एनसीपी अजीत पवार 0, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट 10 सीटें, एनसीपी शरद गुट 5 सीटें। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत कुछ दाय-बाय हुआ है। बीजेपी यहां पर 25 सीटें, अगर एनडीए की बात करें तो 28 सीटों पर दिख रही है, जबकि इंडिया की बात करें तो 5, 10, 15, 5, 20 सीटों पर इंडिया जाता दिख रहा है। यह महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है। वोट प्रतिशत भी आइए बता देते हैं आपको, महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत इस समय दिखा रहा है कि एनडीए को 40% वोट मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को भी 40%, 40.97%, 40.22% एनडीए को, अन्य के खाते में 3.22%, लेकिन तय नहीं वोटर है 15.59%। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर सीटों के लिहाज से किस तरह की दिखाई देती है वो आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है यहां पर देखिए रहा है कि जो टूट हुई पार्टियों में, उसमें जो टूटकर नई पार्टी बनी उसे वो फायदा नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में से और समझेंगे। देखिए ये तस्वीर देखिए, आपको जो बीजेपी है, जो सैफरन कलर में दिखाई दे रही है सीटें, वो बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही सीटें, लेकिन देखिए ये एनसीपी के खाते में जा रही है, ये सीट शरद पवार गुट के पास जा रही है, डिंडोरी की सीट। इसी तरह से देखिए, उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना के यहां सीट मिल रही है, उद्धव ठाकरे को उस्मानाबाद मिल रही है, मावल सीट मिल रही है। ये देखिए, ये जो है शिंदे गुट के पास जा रही है, बुलढाणा की जो सीट है वो शिवसेना शिंदे गुट के पास जा रही है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर जो सीटें जा रही हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के पास, रामटेक की सीट जा रही है, बुलढाणा की सीट जा रही है, ये दो सीटें ही उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक कल्याण की सीट है। तो ये 3 सीटें हैं, बुलढाणा, कल्याण और रामटेक, ये एक सीट यहां पर जो AIMIM के पास थी वो बीजेपी के पास जा रही है, औरंगाबाद। अब ये देखना है कि इसमें स्विंग वोटर कितना है, लेकिन औरंगाबाद में बीजेपी यहां दिख रही है। मुंबई उत्तर पीयूष गोयल, जिनको लोकसभा के चुनाव में उतारा गया पहली बार, वो यहां पर जीतते दिख रहे हैं। ये दो सीटें बड़ी अहम हो जाती हैं देखने के लिए। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक सीट जो लातूर की है, ये कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है। अमरावती बीजेपी ने नवनीत राणा को दिया वहां पर टिकट और वो जीतती दिख रही है। कोल्हापुर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है सीट, सोलापुर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, लातूर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, और इसके अलावा माणा की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। हमारे साथ आरसीपी सिंह जुड़ गए, सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, देखिए ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें लग ये रहा है कि जो टूट फूट हुई महाराष्ट्र में, जो नए गुट बने, जो नए दल बने, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, क्या वो आपके लिए काम नहीं करी है? देखिए, ये आपका सर्वे है, मैं इस सर्वे को चैलेंज नहीं करता, परंतु मेरे पास जो फीडबैक है वो अन्यथा है महाराष्ट्र का, और उसमें हमारे को 40 सीटें लगभग मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को लगभग 8 सीटें मिली है। और जब मैं हमारे को बोलता हूं तो उसमें हमारे जो सहयोगी दल हैं वो भी इसमें आते हैं। और सर देखिए, जो तस्वीर दिख रही है, जो ओवरऑल पिक्चर महाराष्ट्र में दिख रही है, उसमें सब बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है, बीजेपी को नुकसान नहीं है, बीजेपी की जो सीटें वो उसे मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जो सहयोगी हैं, जो आपने नए सहयोगी बनाए, जो टूट हुई एनसीपी में, जो टूट हुई शिवसेना में, उसका फायदा जो टूटी हुई जो अजित पवार है उनको 1 भी सीट नहीं मिल रही है, जो शिंदे गुट है उसे सिर्फ 3 सीटें मिल रही है, उसमें भी कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत बहुत मुश्किल से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो अंतर है वो बहुत कम है। तो ये जो आपके नए सहयोगी हैं वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या आखिरकार लोगों की सिंपथी उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ है? जी, मैंने सुना आपकी बात, परंतु मैं आपके सर्वे के साथ सहमत नहीं हूं। और जो मैंने कहा, जो मेरे पास इनपुट है और जो सर्वे हमारी हमने जो करवाया और जो जानकारी है बाकी जो टीवी चैनल से सर्वे कराएं, उसके अनुसार हमारे जो शिंदे ग्रुप है या हमारे जो बाकी अजीत पवार ग्रुप है, उन सबको मिलाकर हम लोग लगभग 40 सीट। ठीक है सर, वैसे ओपिनियन पोल में हमेशा हमको ये देखने को मिला है कि जो हमारी पसंद की बात हो वो पसंद होगी और जो हमारे फेवर की बात ना हो पसंद नहीं होगी। यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमें आपके ओपिनियन पोल समझ में नहीं आ रहे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है जो महाराष्ट्र में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है ननद भौजाई के बीच लड़ाई वाली सीट बारामती। बारामती में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मेथोडोलॉजी समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये
बहुत ट्रांसपेरेंट शुद्धता से किया गया एक ओपिनियन पोल है जो दूसरों की से अलग रखता है, खड़ा करता है इस ओपिनियन पोल को। ये टेक्नोलॉजी आप समझिए, इसमें हमने हर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले हर विधानसभा सीट का सर्वे किया है, हमने यहां पर लोगों से एक एक बात मुद्दे पर उनकी राय पूछी है, हमने यहां पर देखिए आप पूरा वोट शेयर यहां पर निकालकर आपके सामने रखा है। ये एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर है जो आपके बताए गए उत्तर को इसमें फीड करता है और एक साइंटिफिक वहां पर पिक्चर आपके सामने ड्रॉ करता है। अब जैसे आप समझ लीजिए बारामती की मैं बात कर रहा हूं, 6 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, इसमें जिसमें आप देख सकते हैं दौंड है, यहां पर इंदापुर है, बारामती है, पुरंदर है, भोर है और खड़कसवला है। अब इसमें आप देखिए, अगर आप देखेंगे एनसीपी शरद पवार गुट तो वो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि एनसीपी अजीत पवार जो है वो 6 की 6 सीटों पर पीछे चल रहे हैं, यानी सुप्रिया सुले यहां पर अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत रही हैं। अब कारण क्या है ये शिव बताएंगे। शिव, बारामती में क्या दिख रहा है? बारामती में लैंडस्लाइड दिख रही है मुझे, हमारे हिसाब से तो मैं क्या बोलूं, लेकिन आप नंबर्स को अगर देखें तो लग रहा है कि जो इमोशनल कनेक्ट है वो एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ है, कम से कम बारामती में। बाकी सीट भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है जो इमोशनल कनेक्ट है वो बारामती में अभी भी एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ है, अजीत पवार पार्टी के साथ नहीं। एक चीज़ और मैं चाहता हूँ रामगोपाल जी आप कॉमेंट करें इस पर, 0 अजीत पवार गुट, 0 शिवसेना शिंदे गुट, 13-14 सीटें अगर देखा जाए वो 3 पर आ रहे हैं, आपको इसका कारण क्या दिखता है? देखिए अगर जो आप कह रहे हैं वो सही है तो इसका मतलब ये है कि जो जो गुट बगावत करके गया, चाहे वो शिवसेना का गुट हो, शिंदे का या अजीत पवार का, तो शरद पवार को और वैसे ही बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को लोग असली पार्टी का वारिस मान रहे हैं अगर ये चीज़ देखी जाए तो। क्योंकि 3 सीटें जिस जो शिंदे को मिल रही हैं वो भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 10 सीटें उद्धव अगर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता अभी भी उद्धव को ही बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी। तो ये क्या आने वाले विधानसभा चुनावों का भी कोई संकेत है? अब देखिए ये मैं हमेशा कहता हूँ एक बात को कि देखिए लोकसभा, अगर ये लोकसभा चुनाव में इतना ताकतवर, क्योंकि माना यह जाता है कि विधानसभा में ये चीजें चलती हैं लोकसभा में नहीं चलती, जहां पूरे देश में 85% लोग कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट को नहीं मोदी को वोट दे रहे हैं, वहां पर अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलके 15 सीटें बचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी बड़ा संकेत है। सुमारा हरियाणा क्या कह रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है, हमारा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, वो आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर। हरियाणा का ओपिनियन पोल आपके सामने आने वाला है, लेकिन आप हमारी जो ऊपर टाली है वो भी देखते रहिए, 206 तक पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन और हरियाणा का आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। हरियाणा का जो ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि कुल सीट 10, इसमें से बीजेपी को 9 सीटें मिल रही है, 1 कांग्रेस पार्टी को सीट मिल रही है, यानी बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट का नुकसान यहां पर हो रहा है। ये एक सीट कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि रोहतक की सीट है जो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, लेकिन वोट प्रतिशत क्या कहता है हरियाणा का ये वो भी दिखा देते हैं तस्वीर आपको। हरियाणा की कुल सीट 10, बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के पास 1 और वोट प्रतिशत हरियाणा का ये कह रहा है कि 52.25% वोट एनडीए को मिल रहा है, इंडिया को 35.01% और तय नहीं 12% है। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, एक सीट मिल रही है कांग्रेस पार्टी को यहां पर, बीजेपी को उसके बावजूद 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी बहुत हद तक हरियाणा में अभी भी अपना जो वर्चस्व है वो बनाकर रखे हुए। सुमेरा जी, भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे को लेकर बिल्कुल खुश हो सकती है, उसका पूरा अधिकार है, पर मेरे पास जो जानकारी है और तमाम वीडियोज आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो प्रत्याशी हैं वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। वहाँ के किसानों ने कह दिया है कि इन्होंने धारा 144 लगाई थी, हमें पंजाब से और हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाने पर रोका गया था, कीले सड़क पे गाड़ी गई थी, हम गांव में धारा 288 लगा रहे हैं। ये बाकायदा पूरा प्रचार है इस बात का कि तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसान तो शामिल भी नहीं, मैंने कहा किसान आंदोलन में नहीं, कहा किसान आंदोलन में शामिल नहीं। अरे हरियाणा के किसान जो अभी जब आए बॉर्डर तक पंजाब के किसान, वो तो हरियाणा के किसान शामिल नहीं, वो तो हरियाणा बॉर्डर से इधर आने ही नहीं दिया ना इनकी सरकार ने, पंजाब के जो किसान के नेता और आंदोलनकारी। आपका नंबर क्या कहता है पंकज जी हरियाणा में? मेरा कहना है कि हरियाणा में कम से कम कुछ नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी है वो 7
से आठ सीटें जीतेगी। जल्दी से हरियाणा की उस सीट की भी बात कर लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, वो कौन सी सीट है शिव बताइए मुझे, वो रोहतक है क्या? दीपेंद्र हुड्डा वहां से जा सकते हैं क्या, वो सीट है? जी रोहतक है और वहां पे टक्कर का मुकाबला है। करीबन वहां पे 9 असेंबली सेगमेंट है जिसमें से 5 अभी कांग्रेस जीत रही है और 4 बीजेपी। ठीक है, तो मतलब 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी, इसलिए 5 में मार्जिन अच्छा है, इसलिए वो टोटल मार्जिन यहाँ पे सिर्फ 5% और कम मार्जिन वाली सीटें भी हैं। और कितनी है अगर है तो? जी बड़े मार्जिन से जीत रही है बीजेपी अभी तक। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको रोहतक का पहले बता दूं, रोहतक में सिर्फ 1% से कांग्रेस आगे है करीबन सैंपल साइज, और यहाँ पे सैंपल साइज करीबन 22,000 का है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा को अगर हम लोग देखें इसमें जो सीटें जो मार्जिनल सीटें हैं वो करीबन 3 हैं। तो यहाँ पे 3 ही सीटें जहाँ पे कांग्रेस एक्चुअली मुकाबला दे पा रही है भाजपा को, वो है मेरे हिसाब से सिरसा और हिसार है। नहीं, एक चीज और बताइए, आपने पंजाब में आम आदमी पार्टी को 8 सीटें दी, हरियाणा में क्या हो गया, उसका कोई असर नहीं है? जी देखने को तो नहीं मिल रहा है ऐसा। लेकिन अगर बहुत आगे भी बढ़ते हैं तो वो 3 ही सीट है जहाँ पर मार्जिन कम है, जहाँ पे मार्जिन कम है। और अब हरियाणा और पंजाब में सिरसा और इसके अलावा रोहतक जो जी और हरियाणा में पॉलिटिकल प्लेयर्स भी थोड़े कम हैं और कम स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक आप पंजाब में बात करें तो श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा है, 4-way फाइट है वो। जी इसीलिए वहां पे जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वहां जहां साउथ इंडिया में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 5 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी की सहयोगी 3 सीटों पर लड़ रही है और तीनों जीत सकती है, ये हमारा ओपिनियन पोल कहता है। तो एनडीए 23 और कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास 25 सीटें थी और जेडीएस के पास 1, तो बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान यहां दिख रहा है। जल्दी से वोट परसेंटेज भी आपको बता देते हैं, कर्नाटक का वोट परसेंटेज क्या कहता है। कर्नाटक का वोट परसेंटेज 55% से ज्यादा एनडीए को, 36% के आसपास इंडिया को, और करीब 8.5% लोग हैं जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि उनको किस तरफ वोट डालने हैं। तो ये कर्नाटक का आपके सामने ओपिनियन पोल। जी और इसके बाद अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल क्या कहता है तमिलनाडु का, तो देखिए ये है तमिलनाडु की तस्वीर। बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, डीएमके को 18, एआईएडीएमके को 2 सीट मिल रही है, एएमएमके को 1 सीट मिल रही है, पीएमके को 1 सीट मिल रही है, लेफ्ट को 4 सीटें मिल रही हैं, एमडीएमके को 1 सीट और बीसीके को 1 सीट। अन्नामलाई की सीट पर क्या हो रहा है शिव, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा ओपिनियन पोल है, तमिलनाडु में अगर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है तो जल्दी से वोट परसेंटेज देख लेते हैं। वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा नहीं है तमिलनाडु में बीजेपी के पास, यहां पर एनडीए को तमिलनाडु में 23% वोट, बहुत अहम डेटा है ये। इंडिया को 34.5% वोट, एआईएडीएमके को 16% वोट, अदर्स को करीब 17% और जो तय नहीं कर पाए वो 9% के आसपास है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है इस ओपिनियन पोल का। सुमारा तो देखिए हम कोयम्बटूर की बात करेंगे, अब कोयम्बटूर की जो सीट है वहां पर क्या हो रही है तस्वीर देखिए, ये बताइए जिशिप। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 असेंबली सेगमेंट है और 6 की 6 पे भाजपा का वोट शेयर बहुत आगे है। देखिए ये है ये और एक तरफा दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा मामला, क्योंकि यहाँ देखिए अंतर भी बहुत ज्यादा है, 40% अगर मिल रहा है बीजेपी को तो उनके जो क्लोज कॉम्पिटिटर है डीएमके उन्हें 27% मिला है। तो देखिए 27, 26, 28 ये प्रतिशत है क्लोज कॉम्पिटिटर को और 40% या उससे ज्यादा मिल रहा है बीजेपी को। और अनडिसाइडेड वोटर भी देखिए यहाँ पर है, अनडिसाइडेड वोटर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10% के आसपास है। तो क्या तस्वीर हमें यहां पर दिखाई दे रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्लियर विन है बीजेपी के लिए, बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम रंग भी देख सकते हैं कि गाढ़ा रंग है, गाढ़ा रंग है यानी मार्जिन काफी ज्यादा है। जी बड़ा भगवा रंग है जी। और ये बताता है कि बीजेपी का यहाँ पर जिस तरह से 23% के आसपास वोट परसेंटेज है, सरदार आरपी सिंह साहब एक ही डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप, या अभी इस पर भी आप संतुष्ट नहीं है, 2 सीटें तमिलनाडु में और एनडीए का वोट परसेंटेज 20% से ज्यादा। नहीं लगभग 23% आपके हिसाब से वोट परसेंटेज है और अभी अनडिसाइडेड वोट आप कह रहे 10% के लगभग है, जरा चुनाव अभी आग सिर पर चुनाव है, परंतु मुझे लगता है जो अनडिसाइडेड वोट है
ये बड़ा फैक्टर होगा तमिलनाडु के अंदर। नहीं, लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में भी राजेश जी अन्नामलाई की उन्होंने जमकर तारीफ की, और हमारा ओपिनियन पोल भी कहता है कि अन्नामलाई तो जीती रहे, कन्याकुमारी की सीट भी बीजेपी जीत सकती है। क्या आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजिंग रिजल्ट हो सकता है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए, अगर ये वाकई 4 जून को ऐसे कन्वर्ट हो जाता है तो? देखिए, अन्नामलाई ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीलंका के द्वीप का मुद्दा उठाया था, और उन्होंने ये सोचा था कि इससे बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको उठाया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया, लेकिन तमिलनाडु में मेरी बात हुई अभी कुछ ही समय पहले, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस मुद्दे का। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बात करना भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि अन्नामलाई जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसमें अनडिसाइडेड जो वोटर्स हैं वो क्या किस करवट बैठेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर मैं डिसाइसिवली नहीं कह सकता हूं ये पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। बहुत सारे लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो इधर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मेहनत की है खासकर तमिलनाडु या साउथ इंडिया में, क्या उसका असर दिख रहा है आपको ग्राउंड पर? एक छोटा सा इस पर तो बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात सभाएं कर रहे हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने पता नहीं कितनी बार तमिलनाडु में, लगता है 5-7 बार चले गए हैं वो, तो उसका असर तो होगा ही क्योंकि वो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। लेकिन इसके साथ ये होता है कि लोकल जो इश्यूज हैं उनका कितना असर होगा उसमें, जो डिसाइड नहीं कर रहे हैं जो अभी वोटर्स, वो किस करवट बैठेंगे खासतौर पर तमिलनाडु में, खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में। उत्तर भारत की मैं सैचुरेशन पॉइंट में, ये बहुत ही आम फहम बात है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार। एक सवाल पंकज जी आपसे भी, पंकज जी ये कहा जा रहा था कि दक्षिण भारत में देखिए जो कांग्रेस पार्टी है या उसके जो अलाइज हैं वो मजबूती से लड़ेंगे चुनाव, उत्तर भारत में सैचुरेशन में बीजेपी, लेकिन देखिए वहां पर भी बीजेपी ने मेहनत की है और इनरोड्स बनाए और वो नतीजा दिखाई दे रहा है। देखिए सुमेरा जी, ये तो ओपिनियन पोल है, आप लोगों ने एग्जिट पोल पे कर्नाटक का जो था त्रिशंकु की भविष्यवाणी की थी और कहा था लगभग बराबर का मसला है, लेकिन किस शानदार तरीके से कांग्रेस वहां जीती, वहां किस तरह से मोदी जी ने अपनी ताकत झोंक दी, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा, इसके बावजूद किस बुरी तरह से बीजेपी हारी, वो आपका एग्जिट पोल था, ये ओपिनियन पोल है। और इसमें भी आप 2 सीट बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं अन्नामलाई भी हारने जा रहे हैं, 1 सीट भी तमिलनाडु में मिलने नहीं जा रही बीजेपी को। आप ओपिनियन पोल में अपने लोगों से जो भी आपने बटन दबवा के जो मांगा है वो ठीक है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन 1 सीट भी आपको नहीं मिलने, मतलब बीजेपी को नहीं मिली। आम लोगों को फोन किया है रैंडमली? जी जी, मुझे पता है, मुझे पता है 25 लाख लोगों को 17 दिन में आपने फोन करके उनकी सारी बात जान ली, मैं उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है पिछली बार TV9 के साथ सर्वे था कर्नाटका का, उसमें कांग्रेस जीत रही थी कर्नाटका। आपने मेरे सामने खुला हुआ है सर एग्जिट पोल, आपने त्रिशंकु विधानसभा दी है मेरे सामने खुला हुआ 10 मई का, मैं बिना देखे कोई भी बात बोलता नहीं हूँ। चलिए देखिए सर, अभी के एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं। जी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अरे भाई, तो कितना फर्क दिया आपने, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं, जबकि कांग्रेस कितनी शानदार मार्जिनल सीट छोड़ रही है। सर हम लोग अभी इस पर बहस नहीं करते, अभी इस पर बहस नहीं करते हैं, अभी इस पर बहस नहीं करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी आगे आगे अभी कुछ दिन में। अरे अरे पंकज जी सुनिए, पंकज जी आप जो कह रहे हैं आपकी बातों का रिस्पेक्ट है, शिव जो कह रहे हैं शिव के पास अपने तर्क हैं, 45 दिन का चुनाव है अभी, सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप जरा बात करते हैं आंध्र की, आंध्र का ओपिनियन पोल क्या कहता है आंध्र प्रदेश का, वो अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में वहां पर अब 2 पार्टियों के साथ बीजेपी गई है, बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है, टीडीपी 8 सीटें जीत सकती है, वाईएसआरसीपी को बहुत नुकसान हो रहा है, 13 सीटों पर वो सिमट सकते हैं, पिछली बार 22 सीटें थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जेएसपी 2 और अदर्स यहां पर 0 दिख रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश का 25 सीटों का आपको सामने ओपिनियन पोल, और जल्दी से अब वोट परसेंटेज भी आप देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वोट परसेंटेज आंध्र प्रदेश का कहता है एनडीए 44% के आसपास और वाईएसआरसीपी करीब 46% के आसपास, इंडिया 4% के आसपास, और जो तय नहीं है वो 6% है जो नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको किसको वोट देना है। लेकिन जाहिर सी बात है एनडीए का जो वहां पे गठबंधन हुआ चुनाव से ठीक पहले सुमेरा, टीडीपी और जनसेना के साथ, उसका असर दिख रहा है जी, और फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तेलंगाना में क्या है तस्वीर, देखिए वहां पर क्या कह रहा है हमारा ओपिनियन पोल वो भी देखना जरूरी है। तेलंगाना की जो सीटें हैं वो हैं कुल 17, बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है, तो देखिए बीजेपी को यहां तेलंगाना में भी फायदा होता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही है, बीआरएस को 1 सीट
सीट मिल रही है, AIMIM को एक सीट मिल रही है, यानी हैदराबाद की सीट असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं वो दिखाई दे रही है तस्वीर। तेलंगाना की वोट प्रतिशत क्या कहता है ये वो भी आपको बता देते हैं, तेलंगाना का वोट प्रतिशत किस तरह की तस्वीर दिखा रहा है। वोट प्रतिशत में एनडीए को कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है देखिए, बीजेपी को 36.27% वोट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 37.10%, बीआरएस को 16.32%, एआईएमआईएम को 2.66% और तय नहीं है 7.65%। ये है तेलंगाना की तस्वीर। और अब केरल की बात कर लेते हैं, केरल दूसरे चरण में चुनाव है, वहां पर 20 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा, राहुल गांधी खुद वायनाड से चुनाव में हैं, देखते हैं वहां क्या दिख रहा है ओपिनियन पोल में। केरल में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, ये बहुत अहम आंकड़ा है। साउथ इंडिया में 2 बहुत अहम स्टेट जहां पर खाता नहीं खुला था बीजेपी का वहां पिछले चुनाव में, वहां अब तमिलनाडु के बाद बीजेपी केरल में भी अच्छी खासी बढ़त, 3 सीटें, कांग्रेस 11 सीटों पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीटों पर, KECJ 1 सीट पर, RSP 1 सीट पर, वाम दल 2 सीटों पर, यानी केरल में भी बहुत बटा हुआ है सब कुछ, LDF UDF यहां पर। अब देखते हैं वोट परसेंटेज क्या कहता है, वोट परसेंटेज और पिक्चर क्लियर करेगा। वोट परसेंटेज के मुताबिक NDA 24.5%, UDF 36%, यानी जिसमें कांग्रेस शामिल है, LDF 25% और तय नहीं वो 14% है, यानी केरल में अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत हैं और ये आगे पिक्चर बदल सकते हैं। देखिए लेकिन हम जो टैली दिखा रहे हैं, ओवरऑल टैली क्या कहती है वो आइए देख लेते हैं। तो देखिए एनडीए को 265 सीट मिल रही है, इंडिया को 129 सीट मिल रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अन्य के खाते में 28 सीटें जा रही हैं, ये है ओवरऑल पिक्चर। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए 422 सीटें मिल रही है की जो तस्वीर है वो आपके सामने आ चुकी है, 231 बीजेपी को मिल रही है और 44 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 543 में से ये जो तस्वीर है वो अभी तक की सीटों की उभर कर सामने आई है 422 सीटों की। लेकिन जो ये तस्वीर है इसमें एक जो बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें रामकृपाल जी साउथ में दक्षिण भारत में बीजेपी ने कहा था लगातार कि वो मेहनत करेंगे, तमिल समागम या और तमाम जो कार्यक्रम किए गए उसका क्या असर दिखाई दे रहा है कि वो खाता खोल रहे हैं केरला में, खासतौर पर 3 सीटें जीतना ये बड़ी बात है। हालांकि पंकज जी आपको बड़ी जीत मिल रही है केरला में, लेकिन 3 सीटें अगर बीजेपी के पास जा रही है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। रामकृपाल जी पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं अगर इसको देख रहा हूं तो एक चीज आप देखिए, केरल तमिलनाडु और पंजाब पिछली बार कांग्रेस यहां पर 38 सीटों पर लड़ी थी और 31 सीटें कांग्रेस ने पाई थी। अब देखिए चीज क्या है, पंजाब में आपने दिखाया कांग्रेस 0, तमिलनाडु में और केरल में जो वोट परसेंट है 23% तमिलनाडु में है और 24.5। एक चीज में एक मिनट में आपको रोक रहा हूं शिव, केरल की वो 3 सीटें जिस पर बीजेपी जीत रही है वो आप निकाल के रखिए, शायद त्रिशूर तिरुवनंतपुरम है, ये आप ये सीटें निकाल के रखिए, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास और उन तीनों सीटों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रामकृपाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भाषाई एक तरह से दीवार होती थी पहले, बंगाल में 373 हुए, आप देखिए अगर तमिलनाडु में 2 सीटें बीजेपी इस बार पा रही है तो भी, और 23% वोट है तो, और केरल में 24.5 आप बता रहे हैं करीब करीब 25%, ये बीजेपी का एक्सेप्टेंस ठीक है पूर्वी भारत से लेकर के, मतलब भारत में भी बढ़ रहा है, पर आपकी प्रतिक्रिया केरल और तमिलनाडु तक बीजेपी का एक्सेप्टेंस। आरपी सिंह जी की प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए कोई वजह नहीं है, आपका सर्वे बहुत अच्छी बात है, दूसरे चैनलों के भी सर्वे आए हैं केरल तमिलनाडु में, उन सब ने 0 कहा है, 0 सीट तमिलनाडु में और केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं, उसकी वजह है आप जिस तरह से संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं, वहां के प्रधान मुख्यमंत्री आकर जंतर मंतर पे धरना देते हैं कि साहब हमारा आप जो पैसा है वो दीजिए, वहां की जनता अच्छी तरह जानती है, केरल में एक इनके विधायक जीते थे पिछली बार, उन्होंने कहा केरल में हम इसलिए नहीं जीत पाते कि 100% लिटरेसी रेट है, वहां पर बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश तमिलनाडु में आप नोट कर लीजिएगा एक भी सीट नहीं। आरपी सिंह जी कह रहे हैं पंकज जी कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं होगा, इनसे पूछिए क्या कांग्रेस पार्टी वाले अपना झंडा लहरा पा रहे हैं वायनाड के अंदर, हमारी गुंजाइश की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। आप खुश रहिए, मैं बहुत आपको जो है बधाई देता हूं कि राहुल गांधी की टोका क्या, मैंने आपको टोका क्या आपको, अरे सुनने की हिम्मत रखिए ना जरा, टोक नहीं बिना बात के बोले जाएंगे बीच में, सुनने की हिम्मत रखिए जरा सिंह साहब, सुनने की हिम्मत रखिए जरा, अरे आगे पूरा सुनिए ना फिर बोलिएगा,
एक सेकंड, मैं बस आपको बधाई दे रहा हूं। सर आपको टोका क्या, आप समझ रहे आदमी हैं? आप एक बार टोका, मैं स्टूडियो में बैठा, आप स्टूडियो में बैठे होने का लाभ ले रहे हैं। बोलिए बोलिए आरपी सिंह। ओके, जिस दिन कांग्रेस पार्टी वायनाड के अंदर अपना झंडा लहरा लेगी और ये साबित कर देगी राष्ट्रपक्ष पार्टी है, उस दिन बात करना हमसे। और मेरी बात नोट करें ना, केरल में इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे जो आप दिखा रहे हैं, और तमिलनाडु में भी इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोनों जगह वैसा चमत्कार होगा जैसे वेस्ट बंगाल में ऐसे 10 साल पहले हुआ था, और वहां पर आस्ता आस्ता हम वो जगह, वो जो वैक्यूम है उसको भर रहे हैं जो कि दो दलों ने अपना घेरा हुआ है, और वहां दोनों दलों से लोग तंग है, यूडीएफ और एलडीएफ से दोनों से लोग तंग है। परंतु शर्म की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज अपना झंडा, पार्टी का झंडा, क्योंकि उसमें तिरंगे की एक रंग दिखता है, इसलिए लहरा नहीं पा रही, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया है कि आप यहां पे तिरंग, आप यहां पर अपनी पार्टी का झंडा नहीं लहरा पाएंगे। ओके सरदार आरपी सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास, इससे इस बारे में और बात करेंगे अभी हमारे पास, क्योंकि अब बिग पिक्चर भी आने की लग गई है। एक बड़ी फाइट, जो बिग फाइट जिस सीट पर है केरल में, वो जहां पर शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर है, वो सीट जरा बताइए यहां पर तिरुवनंतपुरम, वहां पर क्या हो रहा है शिव, जल्दी से, क्योंकि यहां पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात विधानसभा सीटें हैं, और इन सातों में ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, इन सातों विधानसभा सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, और कुछ तो ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मार्जिन है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वट्टियूरकायू, ये क्या रीजन है इसके पीछे शिव? रिसेंटली हमें इतने सैंपल में हमारे पास इतने ही रिस्पॉन्सेज आए हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, यहाँ पे करीबन 16-17% वोट है वो अनडिसाइडेड है, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन आखिर तक जाएगा और आखिर तक लोग डिसाइड करेंगे कि उनको किसको वोट करना है। नहीं, लेकिन संदीप, इसके पीछे क्या मेथडोलॉजी है, शशि थरूर के हारने के पीछे कारण क्या है सुप्रीम पोल में? हम तो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा है अनबायस्ड हम दिखा रहे हैं, जो ग्राउंड लॉजिक्स है वो तो एक्सपर्ट्स बता रहे। तो क्या आपको वहाँ पर दिखा डेटा में? डेटा में हमें दिख रहा है अभी शशि थरूर पीछे हैं सभी असेंबलीज में, सभी असेंबलीज। और ये केरल में इससे ये क्या तीन सीटों का जो परसेंटेज है ये बताता है? मैं आप एक्सपर्ट से पूछता हूँ राजेश जी, ये तीन सीटों का वोट परसेंटेज क्या बताता है कि जैसे तमिलनाडु में हमने देखा, वैसे केरल में भी अब बीजेपी धीरे धीरे और अंदर घुस रही है? देखिए, बीजेपी इतने सालों से कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोशिश कर रहा है, केरल में तीन सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा पचापाना मेरे लिए मुश्किल है। जो भी केरल की राजनीति को जानते हैं उनके लिए पचापाना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर शशि थरूर को हारा हुआ दिखा रहे हैं। अभी ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, और श्रोताओं को, दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम इसको इस तरह से प्रेजेंट ना करें कि फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। ये इसमें बहुत अनडिसाइडेड लोग हैं, और केरल में ख़ास तौर पर शशि थरूर की हार और भारतीय जनता पार्टी को तीन सीटें देना, ये इसको आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बेसिकली। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चैनल, हम डिस्क्लेमर पहले भी दे चुके हैं और आपके साथ एक बार फिर से देते हैं कि ओपिनियन पोल है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं आप जो है यहां के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करें तो उतना नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी लहर चल रही है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में, केरल में, इन जगहों पर आप जितनी सीटें दे रहे हैं अगर उतनी आ गई तो मैं कोई ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टिकिंग माई नेक आउट कि मैंने साहब अब नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे। ठीक है, चलिए, शायद इंटरेस्टिंग इलेक्शन, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट यही निकल कर आएगा। अब हम दिल्ली का आंकड़ा बताते हैं कि दिल्ली की तस्वीर क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बदला है, ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो दिल्ली की तस्वीर देखिए क्या बता रही है, कुल 7 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट का नुकसान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। ये तस्वीर, जो ओवरऑल तस्वीर ओपिनियन पोल की दिल्ली की बता रही है, वोट प्रतिशत क्या है वो भी आइए आपको बता देते हैं। दिल्ली का वोट प्रतिशत क्या बता रहा है, बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को कितना प्रतिशत है। एनडीए को 53.47% वोट मिल रहा है, इंडिया को 33.05% और तय नहीं वोटर भी 13.48% है। तो देखिए, हम इसलिए ट्रांसपेरेंट हैं, हम इस वजह से पारदर्शी हैं क्योंकि हम क्या तय नहीं है, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में कितने वोटर तय नहीं है, हर विधानसभा में कितने वोटर तय नहीं है वो भी हम आपको बता रहे हैं, यानी विधानसभा के स्तर तक हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर वोटर डिसाइडेड है, कितना प्रतिशत वोटर अभी भी ये तय करेगा कि उसे किसके खाते में जाना है या क्या वो तय करने वाला है। लेकिन बिग वॉल दिखा देते हैं, सारी कॉन्स्टिट्युएंसीज दिल्ली की, देखिए ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। पूर्वी दिल्ली में क्या हो रहा है वो जानेंगे शिव, आप वो आंकड़ा निकाल कर रखें, आम आदमी पार्टी को यहां पर किस तरह की बढ़त मिल रही है उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे पूर्वी दिल्ली के बारे में। लेकिन
क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बड़ा फैक्टर है? क्योंकि देखिए एक तस्वीर ये भी दिख रही है कि जो सीट जीत भी रहे या जिस सीट पर बढ़त भी मार्जिन कम है वो सीट भी आम आदमी पार्टी की सीट है, कांग्रेस पार्टी की। सबसे ज्यादा जो सीट रही इस वक्त चर्चा में वो तो रही मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार वाली उत्तर पूर्व, वो में मनोज तिवारी जीत रहे हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली वाली जहाँ पे आम आदमी पार्टी, लेकिन लेकिन गौरव ये भी कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के पहले नहीं हुआ है, उनकी उम्मीदवारी हो चुकी है उससे पहले यह सर्वे किया गया है, उम्मीदवारी बाद में हुई, ठीक है उसके बारे में भी संदीप और वो बताएंगे। लेकिन पूर्वी दिल्ली से इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पर सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटा बीजेपी ने, कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने दिया, ये आम आदमी पार्टी के खाते में सीट है, कुलदीप कुमार ऑलरेडी एमएलए हैं और उनकी इलाके में अच्छी छवि है, तो क्या ये टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ गया? ये एक बड़ा सवाल है। दो सवाल है शिव, देखिए दो सवाल, केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या के बाद किया गया ये ओपिनियन पोल है, और कन्हैया कुमार की जो उम्मीदवारी है वो तो अभी सामने आई है, तो उससे पहले हमने ओपिनियन पोल किया। जी जी बिल्कुल, ये जब अरेस्ट हो चुका था अरविंद केजरीवाल जी का तो उसके बाद का पोल है ये, तो हमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दिखाया है भाजपा के वोट पे, जहाँ पे पिछली बार भी हमारे सर्वे में आ रहा था कि ईस्ट दिल्ली की ऐसी सीट है जो टर्न होगी वो वही हो रही है, बाकी में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ये सीट पहले से भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी और वो अभी भी वैसे ही दिख रही है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, ये अपने आप में बड़ी। आरपी सिंह कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। जी आरपी सिंह जी बताइए। देखिए ये जो आप सोच रहे हैं क्योंकि एक आईलैंड दिल्ली में बन जाएगा और दिल्ली के अंदर बाकी सीटों पर 53% और 33% के फर्क के बावजूद भी एक सीट आम आदमी पार्टी ले जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है, और पूर्वी दिल्ली पिछली बार भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं 4 तारीख को आपके साथ बैठूंगा, हमारा वोट परसेंटेज लगभग 56 से लेकर 60% के बीच में होगा पूरी दिल्ली में, और कोई सीट ऐसी नहीं होगी जिसमें 55 सर। तो अगर आइलैंड नहीं बन रहा था तो फिर आप लोगों ने एक सांसद छोड़ के बाकी सबका टिकट काट क्यों दिया? नहीं टिकट काटना नहीं होता, यह आपको ही लगता है टिकट काटना, हमारे यहाँ अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए जाते हैं, मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ परंतु आज मैं पार्टी का काम करता हूँ, तो अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से पार्टी में किस प्रकार पार्टी व्यक्ति का काम उपयोग करना है उसको किस किस काम में लगाना है ये पार्टी तय करती है, इसलिए ये सोचा काटेगा ये गलत आपका नैरेटिव है। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ कुछ दिल्ली के अंदर एक आइलैंड नहीं बनने वाला कि एक जगह के लोग अलग से सोचेंगे और पूरी दिल्ली अलग से सोचेगी, सारी की सारी दिल्ली एक ढंग से सोचेगी और उसमें पूर्वी दिल्ली भी आता है। तो आरपी सिंह जी आप पूर्वी दिल्ली की बात करें तो हम पूर्वी दिल्ली की सीट क्या कह रही है हमारे जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। तो देखिए हम जब पूर्वी दिल्ली की बात कर रहे हैं और ये आप मैप जब देख रहे हैं तो देखिए ये आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके भीतर इस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर कहां पर बीजेपी को जो है आगे आगे वो बनी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये दो जो विधानसभाएं हैं यहां पर बीजेपी ज्यादा मार्जिन से आगे, यहां उनसे थोड़ा कम मार्जिन से आगे और यहां उससे भी कम मार्जिन से, और यहां पर भी ये तस्वीर है। देखिए शिव बताएं हमें, देखिए पटपड़गंज की सीट पर बीजेपी को बढ़त है, इसके अलावा लक्ष्मीनगर पर बीजेपी को बढ़त है, विश्वास नगर में बीजेपी को बढ़त है, बीजेपी को कृष्णानगर में भी बढ़त है और शहादरा में भी बढ़त है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त है विश्वास नगर में, उसके बाद लक्ष्मीनगर में क्योंकि यहां 50% तक उनको वोट मिल रहा है, पटपड़गंज में 47.47 यानी 47.47% है और शाहदरा में 46% है, इसके अलावा जो ये है कृष्णानगर यहां पर भी 46% है। तो देखिए ये अंतर है, हम आपको इस वजह से कह रहे हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्रेडिबल है क्योंकि हम आपको हर विधानसभा का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि कहां पर बढ़त उनको है कहां पर आम आदमी पार्टी को, तो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है क्योंकि यहां पर उनका अंतर बहुत ज्यादा है, यहां बीजेपी के पास इन विधानसभाओं में बढ़त है वो हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारा आंकड़ा बता रहा है। और देखिए कितना हमने सैंपल लिया है, 28,795 लोगों से बात की गई है, तो सैंपल साइज ये है, सिर्फ एक सीट पर, सिर्फ एक लोकसभा की सीट जो ईस्ट दिल्ली की सीट है वहां पर हमने 28,795 लोगों से बात की है, इतना बड़ा सैंपल साइज है और उसके भीतर भी हम ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी कहां कहां पर किस किस विधानसभा में बीजेपी को बढ़ाता है। तो देखिए ये इस वजह से हमारा ओपिनियन पोल फर्क है और इस वजह से हमारा ओपिनियन पोल इतने ग्राउंड लेवल तक गया गौरव। बिल्कुल, और अब यहां पर पंकज जी एक सीधा सा सवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, किस तरह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और आज आप गठबंधन में साथ हैं, उसके बावजूद केवल एक सीट, हो सकता है मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि आप मेरे ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं करते, आपको क्या लगता है क्या ये गठबंधन और पहले होता, क्या और ज्यादा पहले कैंडिडेट दिए जाते तो ये नतीजा और बदल सकता था या आपके हिसाब से कुछ और नतीजा आएगा?
देखिए सबसे पहले तो मेरी एक आपत्ति है आपके जो भी टिकर पर बैठे हैं, हमारे अभी घोषणा हुई, आपने खुद कहा कि हमारे प्रत्याशियों की घोषणा के पहले का ये आपका पोल है और आप उसमें बता रहे हैं कन्हैया कुमार पीछे, कन्हैया कुमार का तो नाम भी नहीं था, तो कम से कम ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है ये मत करिए, जिनकी घोषणा हो गई हो उनको आगे पीछे आप करें तो समझ में आता है, जो टिकर पे आपके साथी बैठे हैं मुझे उनसे ये उम्मीद है कि ये कार्य मत करें। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसका मैं उत्तर दे देता हूं, अभी तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार उस सीट से कन्हैया कुमार है, हमने जब ओपिनियन पोल किया तो हमने कांग्रेस का नाम लिया। नहीं, आप कन्हैया कुमार से नहीं, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, एक मिनट सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा फर्क है, मेरी बात सर डेमोक्रेसी है, मुझे बोलने का हक है, बिल्कुल बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए, आपने मैं बता देता हूं उसका कारण क्या है। 1 से 13 अप्रैल के बीच का सर्वे है, ये तो पता था कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, कन्हैया कुमार का नाम बाद में आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर लड़ रही तो हमें पता था, और अब जबकि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया है तो हम और किसको चलाएंगे आगे और पीछे, सर आप बताइए। गौरव जी आप जर्नलिस्ट हैं, एक नॉम चॉम्स्की ने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करके पूरी एक सिद्धांत दिया है पत्रकारिता को लेकर, कैसे हां इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जानना चाहिए कि कैसे व्यक्तियों को लेकर आप एक धारणा बनाते हैं। कन्हैया कुमार अभी आया नहीं, उसके आने से निश्चित ही दूसरे तरह से तो आप बताइए क्या नैरेटिव। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि नाम जहां पे अनाउंस नहीं है वहां पे हमारी पार्टी के किसी प्रत्याशी का नाम कि वो पीछे, आप कांग्रेस लिखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि आपके सर्वे में ठीक है सर, आप अपना तर्क रखिए बिल्कुल, और मैं बहुत गंभीरता से पूरे एकेडमिक कारणों से इस बात को कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि यहां पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया, जो जो कुछ हो रहा है उसका असर नहीं है, तो अपने चैनल के अलावा भी तमाम चैनल जो कर रहे हैं या CSDS जिस तरह से उसने सर्वे किया है जो बहुत एकेडमिकली बहुत रिप्यूटेड है, उसकी भी बहुत सी बातें हैं। मैं आपको दावा करता हूं कि आपका ये पूरी तरीके से गलत होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीतेंगे आप दिल्ली में, अब मैं तो 7 मानूंगा कि हम 7 जीत रहे हैं, लेकिन आप मैं प्रवक्ता हूं तो आप उस पर यकीन ना करें, लेकिन जनता की भावना बोलिए, मैं कह रहा हूं कि हम 7 जीतेंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 दिल्ली में, 7 के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी जहार दिल्ली में होने जा रही है, आपस मिलेंगे ना, शुभकामनाएं आपको, लेकिन अब जरा हिमाचल की बात कर लेते हैं, हिमाचल में क्या कहता है ओपिनियन पोल, जल्दी से आपके सामने वो ओपिनियन पोल लाते हैं। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 4 लोकसभा सीटों में चारों की चारों बीजेपी के पास जा रही हैं और 2019 में भी यही नतीजे थे और 2024 का ओपिनियन पोल भी यही कहता है कि हिमाचल में कांग्रेस की राज्य सरकार होने के बावजूद यहां पर चारों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं और इसमें से एक वो मंडी की सीट भी है जहां से कंगना रनौत भी है। सुमेरा जी हाँ, कंगना रनौत है वहां से, लेकिन उस सीट की जो कुछ और बारीकियां हैं वो समझेंगे शिव से मंडी सीट की, लेकिन वोट प्रतिशत क्या है हिमाचल प्रदेश का आइए वो आपको दिखा देते हैं। हिमाचल का वोट प्रतिशत ये कह रहा है कि एनडीए को 55.73% वोट मिल रहा है, इंडिया को 33.87% और तय नहीं वोटर है 10.40%, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। उत्तराखंड की भी सभी सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जा रही है, कुल सीट 5 और सभी बीजेपी को मिल रही है, यहां पर भी बीजेपी ही बढ़त पूरी तरह से बनाए हुए हैं, जैसे कि बीजेपी को पहले भी यहां पर सीटें तमाम मिली थी। लेकिन वोट प्रतिशत क्या कह रहा है उत्तराखंड का ये वो तस्वीर भी दिखा देते हैं, उत्तराखंड का वोट प्रतिशत किस तरह से तस्वीर बता रहा है, देखिए वोट प्रतिशत में एनडीए को 56.77%, इंडिया को 26.24% और तय नहीं है 16.99%, ये तस्वीर उत्तराखंड की। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल हमने आपको बताया मंडी की सीट जो है वो एक चीज सुमेरा मैं यहां पर बताना चाहता हूं दर्शकों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिटेलिंग में बात करते हैं। बिग पिक्चर यह है कि 438 सीटों का जो ये ओपिनियन पोल आपके सामने हम लेकर आए हैं इसमें एनडीए बहुमत हासिल कर चुका है, अभी करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं जिनका ओपिनियन पोल आना बाकी है, उसके बावजूद 280 सीटें एनडीए के पास जाती दिख रही हैं और इंडिया के पास 130, अन्य जो हैं वो 28 सीटों पर दिख रहे हैं, ये 438 सीटों का ओपिनियन पोल है। सुमेरा जी हाँ, तो ये तस्वीर दिख रही है जो ओवरऑल तस्वीर है उसमें बहुमत मिल गया है एनडीए को और तस्वीर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आगे की जो राज्य हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं, वो भी हम आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन शिव मंडी की सीट में क्या हो रहा है, क्योंकि मंडी में कंगना रनौत का नाम था सामने, लेकिन कंगना रनौत के बाद अब विक्रमादित्य के नाम सामने आया है, तो क्या हमारा ओपिनियन पोल उसके पहले का है और विक्रमादित्य जी का नाम अनाउंस होने से पहले का है, पहले का है, लेकिन मैं एक दर्शकों को बताऊं हमारे जो पहला ओपिनियन पोल था उसमें और अभी में जो फर्क है भाजपा के वोट पे
वो 12% है, मतलब 12% से भाजपा का वोट नीचे हुआ है आफ्टर, जबकि कंगना रनौत, जब से कंगना रनौत जी का नाम आगे आया है, तो मतलब 12% कह रहे हैं कि कंगना रनौत के नाम आने से पहले जितना मंडी में बढ़त थी बीजेपी को, उससे कम हुआ है, कम हुआ है, और अभी कंगना रनौत का नाम सामने आ गया था, उसके बावजूद ओपिनियन पोल में बढ़त नहीं दिखाई, बढ़त नहीं और बल्कि कम है, 12% का डिप है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिप है। हमारा ओपिनियन पोल तब हुआ है जब विक्रमादित्य का नाम सामने नहीं था, बिल्कुल ही वॉज नॉट देयर इन द पिक्चर, उसके बावजूद डिप हो रहा था 12% का। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और देखिए ये जो तस्वीर है मंडी की वो किस तरह की दिख रही है, वो देखिए जीत रही है बीजेपी, लेकिन यहां पर ये जो पैच आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं, ये जो विधानसभाएं हैं, यहां पर बीजेपी को बढ़त नहीं है, बीजेपी को बढ़त इन जगहों पर है और यहां पर बहुत ज्यादा बढ़त है। तो जो डार्क कलर आपको दिख रहा है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन विधानसभाओं में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। जहां सबसे ज्यादा बढ़त है वो देखिए सिराज की जो विधानसभा है वहां पर बड़ी बढ़त है। इसके अलावा जहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है वो कहां है, लाहौल और स्पीति, यहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है 59%, जबकि बीजेपी को 28% यहां पर वोट मिल रहा है। इसके अलावा देखिए एक और जो ये जगह है अन्नी, यहां पर 50% कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहा है और बीजेपी उससे कहीं पीछे है। लेकिन देखिए ये जगहें जोगिंदरनगर, मंडी, बड़ा और सरकाघाट, यहां पर बड़ी बढ़त है उनके पास, लेकिन रामपुर और किन्नौर में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिल रही है। लेकिन ये जो फैक्टर है गौरव, इस पर जरूर आप सवाल ले, बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा था 12% का डिप मंडी पर है, उस पर स्पेसिफिक आप कमेंट दीजिएगा रामकृपाल जी। लेकिन जल्दी से क्या 4 की 4 जो सीटें ओपिनियन पोल में दिख रही हैं, इसका संकेत उस राज्यसभा चुनाव में मिल गया था जब अभिषेक मनु सिंह भी नहीं जीत पाए थे हिमाचल से, और इसमें आपको कुछ दिखता है वहां से संकेत दिखा था? देखिए निश्चित रूप से गौरव जी, आप एक चीज देखें, मैं हमेशा वोट परसेंट को देखता हूं। अब आप देखिए कि यहां पे 55.73% है, यानी हिमाचल में भी जो वोट है वो कैंडिडेट हो सकता है कहीं एक इधर हो जाए, लेकिन डिफरेंस जो है वो 20% से ऊपर का है, नेक्स्ट राइवल जो है उससे 20% ऊपर का है डिफरेंस बीजेपी का। तो ये अपने आप में अगर ये अब किसी एक पर्टिकुलर सीट में ऐसा हो जाए कि नहीं वो राइवल कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं जिस तरह से हिमाचल में 56%, उत्तराखंड में 57%, तो ये तो साफ साफ है कि सारी की सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं। ठीक है, कई एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि 20% से ऊपर का अगर मतलब वोट प्रतिशत में डिफरेंस है तो फिर उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता है रिकवर करने का। ठीक है, मंडी पर आप कुछ नहीं बोले, मंडी पर 10 नहीं, मंडी पर मेरा देखिए मंडी पर मेरा ये कहना है, मुझे 84 का और 85 का याद आता है, बहुगुणा और अमिताभ बच्चन का, सब लोग बहुगुणा को जिता रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जीत गए, बहुगुणा आ गए। ठीक है, ठीक है, ये सब है, ओके ओके, बहुत शुक्रिया सर। तो यहां पर देखिए ओपिनियन पोल का एक आपको मैं यहां पर कमिंग अप देके जाऊं, और कमिंग अप ये है कि अब वो सूबा आएगा जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और जहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। दो वो आंकड़ा आए बना, वो अभी आया नहीं है सामने, उसके बावजूद हमारे टैली में बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। हाँ, उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, कुल सीट हम सबको पता है 80, और पहला आंकड़ा बीजेपी 64, जो कि पिछली बार से ज्यादा है, कांग्रेस 1, समाजवादी पार्टी 11, बीएसपी 0, सन्नाटा 0, आरएलडी 2, ये अपना दल 2, एसबीएसपी 0, अदर्स 0। एक बार फिर से मैं ये मोटा मोटा आपको आंकड़ा बताना चाह रहा हूं, बीजेपी 64, कांग्रेस 1, सपा 11, बीएसपी 0, आरएलडी 2, अपना दल 2, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने। अब जरा बात करते हैं वोट प्रतिशत की, वोट शेयर की। ये देखिए एनडीए 47.62%, इंडिया 29.49%, बीएसपी 10.101%, और जो अनडिसाइडेड है 12.88%। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बिग बॉल पर आइए, 80 की 80 सीट पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर जरा आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं, वो देखिए। अब 80 की सीटों पर यहां पर
ये देखिए हर जगह आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि हर जगह बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है, कई जगह एसपी दिखाई दे रही है। मैं यहां से शुरू करता हूं, घोसी एसपी और रॉबर्ट्सगंज अपना दल, इधर आइए प्रतापगढ़ एसपी और यहां पर आजमगढ़ एसपी, मिर्जापुर अपना दल। अब जरा मैं बाकी को नहीं पढ़ रहा हूं, वो बाकी सब बीजेपी के हैं। ये देखिए लालगंज एसपी यहां पर, और ये देखिए मथुरा बीजेपी, रामपुर बीजेपी, और ये इस तरफ आइए यहां पर इंटरेस्टिंग है, अमेठी भी एसपी है, रायबरेली कांग्रेस है, अमेठी बीजेपी, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, अमेठी बीजेपी ये आपको दिखाई दे रहा है, हमीरपुर बीजेपी, कैसरगंज बीजेपी, और यहां पर अगर इस तरफ आइए अंबेडकर नगर एसपी यहां पर आ रही है, जालौन जो है बीजेपी, लखनऊ बीजेपी, बरेली बीजेपी, अब जरा नीचे गाजीपुर एसपी, ये देखिए मछली शहर एसपी और बाकी सब बिजनौर आरएलडी और आंवला बीजेपी, बुलंदशहर बीजेपी, और अब मैं जरा इस तरफ आता हूं जौनपुर एसपी यहां पर दिखाई दे रहा है, मोटी ये बड़ी बड़ी सीटें मुजफ्फरनगर बीजेपी, गौतम बुद्ध नगर बीजेपी, बदायूं बीजेपी, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी बीजेपी, यहां पर कन्नौज एसपी, कैराना एसपी, गाजियाबाद एटा, फिर यहां पर संत कबीर नगर बलिया बीजेपी, इधर पर मैनपुरी एसपी, बागपत आरएलडी, और यहां पर सहारनपुर बीजेपी, इटावा बीजेपी, फूलपुर बीजेपी और बस्ती बीजेपी। ये एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहला रिएक्शन, क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा, हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद है, गेम्स होते दिखाई दे रहे हैं अगर बीजेपी को पिछली बार की अपेक्षा में बात की जाए, लेकिन यहां पर कौन सा सरप्राइजिंग फैक्टर है यह समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले रामकृपाल जी, पहला रिएक्शन आपका इस पे सर। नहीं, आप जो जो सीटें आप एसपी की दिखा रहे हैं ये वो सीटें हैं, जैसे देखिए जौनपुर, मछली शहर और गाजीपुर, ये सीटें बिल्कुल मैं मानता हूँ एसपी की है। प्लस जैसा आपने देखा है मैनपुरी और कन्नौज, जाहिर सी बात है कि वो अखिलेश जी का, जो मुलायम जी का परिवार है वो, तो मुझे करीब करीब सही लग रहा है कि 11 पिछली बार जो था एसपी 5 बीएसपी 10 थी, 15 सीटें गई थी, इस बार जैसा आप दिखा रहे हैं 11 ये है और कांग्रेस 1 12, मुझे लग रहा है कि ये सही ठीक है। अंबेडकर नगर सीट जो आप दिखा रहे हैं वहाँ भी मुझे पता है कि वहाँ समाजवादी पार्टी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, तो ये करीब करीब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सही है। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से वोट परसेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कम हुआ है, क्या ये कोई आंकड़ा बताएंगे? ये आंकड़ा हम आपसे मानेंगे। शिव, मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, शिव हमारे साथ हैं, शिव ये जरा बताइएगा वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर है और जहां पर कुछ भी हो सकता है बीजेपी और एसपी में। राजेश जी, आपका टेक जो अभी हमने बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में ये तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये क्रिएट किया था, और दरअसल जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसका जो पिवट है, उसका जो केंद्र बिंदु है, उत्तर प्रदेश है। राम जन्मभूमि, 22 जनवरी जो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसलिए उसका असर तो होगा ही होगा। लेकिन जो इनका सर्वे दिखा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, वहाँ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। ये इस वहाँ से जो मेरी बातचीत हुई है, कुछ लोगों ने जो जिस तरह के इश्यूज हुए हैं, कुछ जो कैंडिडेट्स जिस तरह के वहाँ पे खड़े किए गए हैं, उसमें कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भीतर रोष है, और वो कितना उसका असर होगा या नहीं होगा ये कहने का थोड़ा मकसद नहीं है। जो आंकड़ा मेरे पास आ रहा है, मैं शिव से भी जानना चाहूंगा, शिव ये जो आंकड़ा आ रहा है वोटिंग शेयर की अगर बात की जाए, बिग वॉल पे मुझे वो आंकड़ा दिखाई गया, वोट शेयर में सर कम हुआ है बीजेपी का वोट शेयर परसेंटेज। आइए जरा शिव बताइए वो कौन कौन से एरिया हैं, आप मेरे साथ आ सकते हैं यहां पर शिव, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, आप आइए जरा बताइए हमें जरा। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जहां जहां आप रंग को हल्का देख रहे हैं भाजपा के लिए, वहां पर आप समझ सकते हैं कि भाजपा का मार्जिन ऑफ विनिंग कम है। यानी तो आप यहां से देखिए, यहां से अगर शुरू करें तो फतेहपुर सीकरी है शायद मेरे ख्याल से, उसी पे देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी है मेरे हिसाब से, यहाँ पे भाजपा सिर्फ 3.5% से जीत रही है। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें,
ऊपर आते हैं यहाँ पर इटावा में, इटावा में 8-8.5% से है और करीबन 8.5% से, एटा पे 9%, सब 10% के अंदर है। तो इलेक्शन जैसे प्रोग्रेस, ये देखिए फरुखाबाद में 5.5% का ही लीड है बीजेपी के पास यहाँ पे, जहाँ पे सपा टक्कर दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और जो यहाँ पे आप साउथ में यूपी में देखेंगे तो ये आप देखिए 5.5% का वोट है यहाँ पे बांदा में, और जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं कौशंबी, यहाँ पे भी 5.5% है। और अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर आते हैं रॉबर्ट्सगंज में भी सपा सिर्फ 2% के करीब आगे पीछे है। ये मतलब आप हमारे जितने भी दर्शक देखिए, शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना ट्रांसपेरेंट और कितना डिटेल्ड यहां पर हम आपको बता रहे। और सीटें बताइए, मैं देख रहा हूं यहां पर भी कलर कम है, ऊपर आइए जरा, ये मिर्जापुर का 4.5% से पीछे में, बाराबंकी में करीबन 8.12% से, और जो आखिरी सीट है जहां पर लड़ाई है वो है गोंडा, जहां पे 6.36% से सपा पीछे है बस। और अच्छा, रायबरेली की अगर बात की जाए, जरा लेकर आइए रायबरेली, वहां पर अभी कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है, लेकिन वहां पर भी ये देखिए जरा, देखिए यहां पर कांग्रेस ने क्योंकि कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। यहां पे बीजेपी अभी पीछे है लेकिन विद इन 1%, मतलब 0.69% से ही पीछे है, मतलब इतना कम गैप है। तो मतलब ये आप मान सकते हैं कि कैंडिडेट जब अनाउंस होगा ये चेंज होगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पे तो यही रिजल्ट है। तो ये जो ब्लू हो रखा है ये आपको बताए, ये क्या है ये बताइए जरा इसका मुझे आकलन। ये देखिए नीचे आइए, ये जो है ये सारी सपा जो जीत रही है अभी सीट, वो भी कम मार्जिन से जीत रही है। यहाँ पे 3.5% से जीत रही है, अम्बेडकर नगर में आगे हमारे हिसाब से, लालगंज में करीबन 10% है, उसके बाद अगर आप आजमगढ़ में भी 7% के करीब है। पॉइंट ये देखिए घोसी की जो सीट है वो SBSP से सिर्फ 0.87% से, मतलब ये लास्ट राउंड में कुछ भी उलट फेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग इसमें बाद में अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो इसमें अनडिसाइडेड वोटर जो है वो भी डिसाइड कर सकता है कि किस साइड जाएंगे। अब ये सवाल मैं पंकज जी से भी पूछूंगा, मेरे साथ यहाँ पर है पंकज जी और सैयद जफर इस्लाम साहब, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आ गए। सर स्वागत है आपका। पहले तो जो हमारा ओपिनियन पोल आ रहा है इसमें आपको मैं बता दूं, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है बीजेपी 64 और इसके अलावा जो आपका पूरा अलायंस है उसको 68 टोटल आ रहा है। जो वोट शेयर है उसमें करीब करीब 2% कम हुआ है लेकिन सीटें बड़ी हैं। आपका पहला टेक जो हमारा ओपिनियन पोल है उस पर, सैंपल साइज है जफर भाई करीब 25 लाख लोगों का सर्वे किया गया है हमने 13 अप्रैल तक का, अब आपका टेक मैं जानना चाहूंगा। देखिए मैं किसी सर्वे के बारे में, उसके मेथोडोलॉजी के बारे में, उसका सैम्पलिंग कैसा किया गया है और किस तरह से स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या रहा है उसके बारे में कोई टिका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। हर सर्वे करने वाली एजेंसी अपने हिसाब से करती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने ठीक है NDA को 348 दिखाया है, हो सकता है कि हमारे हिसाब से ये और भी ज्यादा, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होना चाहिए था। नहीं जफर जी, अभी 348 हमने अभी कई और सीटें हमें बतानी है, उसके जो जैसे अभी कई सीटें बतानी है, अभी तक जो बताया उसमें 348। छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी, प्लीज गो अहेड। नहीं अभी आपके 543 में 518 दिखा रहा है, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया तो थोड़ी सी सीटें बची हुई, मतलब हमारा जो 408 का टारगेट है वो इसमें नहीं दिख सकता अगर आप पूरी सीटें भी हमें दे दें। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ, जैसे आपको 64 सीटें आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब जब हम अपने सर्वे के हिसाब से जो अपने पन्ना प्रमुख और अपने लोगों से बात करते हैं, जो हमें अपना फीडबैक आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है हमारे पास, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि हमें तो 78 सीटें कम से कम आएंगी। तो अब यही देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 64 कह रहे हैं आप, 78 जबर जी आप कह रहे हैं, मिनिमम 78 ओके 78 मिनिमम 78 और इट कुड बी 80 कंप्लीटली वॉश आउट, ये हमारा सर्वे कह रहा है। अब आप लेकिन फिर भी एक दो सीटें कभी छटक जाती है। मैं आपसे ये सवाल भी पूछ लूंगा अभी कि आपका ये जो प्रिमाइस है 78 का क्या है, लेकिन पंकज जी मेरे साथ हैं कांग्रेस से यहां पर। पंकज जी, रायबरेली अभी तक आप लोगों ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, उसके बाद भी आप हमारे ओपिनियन पोल में जीतते हुए दिख रहे हैं, बहुत 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 थिन मार्जिन, जिसको कहा जाता है एकदम बहुत हेयर थिन मार्जिन से। अमेठी में आप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है,
ये इनडिसाइसिवनेस अभी तक क्यों है? आपकी ट्रेडिशनल सीट है, ट्रेडिशनल बैच। देखिए, मेरा ख्याल इसे इनडिसाइसिवनेस कहना ठीक नहीं है। हर पार्टी की एक रणनीति होती है। बीजेपी ने भी बहुत जगह नहीं अनाउंस किया है अभी, यहाँ तक कि जो कैसरगंज के इनके ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं प्रख्यात, उनका भी टिकट ये अभी तक तय नहीं कर पाए, देना है नहीं देना है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है। वैसे हर पार्टी का अपना अधिकार होता है। बस मैं इतनी विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आपका जो IVR है, जो आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जो है, वो दिमाग जो है, वो पढ़ने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है। और मेरी जो समझ कहती है और जो मेरे पास सूचनाएं हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, अमेठी तो 100% बीजेपी हार रही है। स्मृति ईरानी के खिलाफ इतना गुस्सा है वहां पर, और लोग अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार राहुल जी को हरा दिया। मैं खुद उसी इलाके से आता हूं, इसलिए मैं बहुत पर्सनल आपको बात बता रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तस्वीर बन रही है, अगर बीजेपी 40 सीट जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 40 सीट नहीं जीत रही है बीजेपी, अभी जो पहले चरण में हो रहा है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आधी सीटें हार रहे हैं। ठीक है, अब मेरा तो साफ कहना है कि आपका आंकड़ा क्या कह रहा है कि आपके अलायंस को कितना मिल रहा है वहां पर? मैंने बताया कि कम से कम 80 में से 40 सीटें, कम से कम। ठीक है, आप कह रहे हैं 80 में से 40, और जफर भाई कह रहे हैं यहाँ पर कि 80 में से 78। भाई वो तो 4000 भी जीत रहे हैं, वो नीतीश कुमार ने 4000 सीट जितवा दिया, अब हम उसका क्या कर सकते ठीक हैं? ठीक है, अब मैं एक क्विक टेक यहाँ पर लेना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्विक टेक यहाँ पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त राजेश जी मौजूद है। राजेश जी, एकदम न्यूट्रल एनालिसिस अगर मैं बात करूं तो 78 भी और 40 भी, ये दोनों मुझे कहीं बीच का फिगर नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि एब्सोल्यूट स्वीप होगी, राम मंदिर का जो एक तरीके से यूफोरिया है वो पूरा इको करेगा। क्या ये जो 68 का आंकड़ा है ये उसको उसके मुताबिक है, या आपको लगता है और ज्यादा होना चाहिए था? योर टेक राजेश जी। देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है उसका असर एक अलग तरह का असर है। जो स्थानीय लोग हैं, अयोध्या में लोग हैं, वहाँ वो तो राम मंदिर राम की भक्ति के लिए गए थे। नेपाल से बहुत सारे लोग आए थे, वो राम को भक्ति के लिए वहाँ पर थे। वोट जब देंगे लोग तो उनके दिमाग पर एक असर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, इसका असर ज़रूर होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब उन मुद्दों का क्या करेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, जो लोगों की सीधे सीधे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं अभी इनसे पंकज से बात कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया जो गठबंधन है, क्या ऐसे जो डिसग्रंटल्ड वोटर्स हैं उनको खींच करके पोलिंग बूथ तक ले जा पाएगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 68 सीटें किस तरीके से आप अपने वोटर को लेकर आते हैं पोलिंग बूथ तक, वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जम्मू और कश्मीर का ओपिनियन पोल आपके सामने, कुल सीट 5, बीजेपी 2, कांग्रेस 0। और यहां पर जो हमारे पास है, JKNC नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको आप बोलते हैं, वो 3 है, PDP भी 0 है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा या एक ग्लेरिंग फैक्ट है। बीजेपी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, जबर जी के पास भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर अगर मुझे आप इसका एक आपके कौन कौन सी सीट कौन कौन कहां कहां जीत रहा है अगर आप बता पाए, शिव मैं इसके लिए आपके पास आऊंगा, कौन कौन कहां कहां कौन सी सीट जीत रहा है इसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन रामकृपाल जी, 2 सीटें बीजेपी ने पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी 2 सीटें दिखाई दे रही है। देखिए, वो सीधा है कि जम्मू बीजेपी जैसा दिखाई पड़ रहा है, वही जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये साफ साफ है। दूसरा, वोट परसेंट अगर आप बता सकें, जैसे बाकी बता रहे थे जम्मू कश्मीर में भी किसको कितना है। जी, मैं वो भी तो जानने की कोशिश करूंगा। शिव, कौन कौन सी सीटें कहां कहां जा रही हैं, आपने अगर देख लिया हो तो बताइए हमें। वही जैसे अन्य बोला, जम्मू और उधमपुर है जो बीजेपी के पास जा रहा है, बाकी इनके क्या कहते हैं JKNC के पास जा रहा है, बाकी सब JKNC के पास जा रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जफर जी से सवाल पूछूंगा। जम्मू जफर जी, जो आपका ट्रेडिशनल वोटर है वो इंटैक्ट है, अगर मैं इस ओपिनियन पोल, देखिए मेरे लिए प्रिमाइस यही है, लेकिन जहां पर आपने बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज किया, वहां पर लोगों के बीच में
आपकी अपील अभी भी उतनी नहीं है कि आप जीत सके वहां पर। मैं घाटी की बात कर रहा हूं, कश्मीर की बात कर रहा हूं, आपका टेक। देखिए, मैं ऐसा तो कहना सही नहीं लगता है कि मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि घाटी से भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर जो हैं 100% सीट निकालेंगे। ये जनता और आवाम की खुशनुदी जो वहाँ पर है, जो खुश है, जो वेलफेयर स्कीम जो घर घर तक पहुँचाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहुँची है, जिस तरह से वहाँ पर लोगों को अब अपनी नौकरियाँ मिल रही हैं, अब काम मिल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं, और जो बिल्कुल ठप पड़ गया था सब कुछ वहाँ का बिजनेस, वो चल पड़ा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है लोगों में ये इस बात की मतलब कहीं ना कहीं सोच आ गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ही यहाँ पर बेहतर होगा, और ये बाकी पार्टियां जो है अपने लिए काम करेंगी, लेकिन मोदी जी लिए हमारे लिए काम करेंगे, ऐसी सोच आ गई। ठीक है, ठीक अभी है। पहले मैं देखिए कश्मीर जाता था, एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पहले कश्मीर जाता था किसी जनसभा में कुछ पूछता था तो क्या आप अपने हाथ उठाइए, लोग हाथ नहीं उठाते थे। वो मायूसी भी हमें भी होती थी कि इसलिए कि वहाँ की सरकारें जो हैं कुछ नहीं करती थी उन लोगों के लिए। आज मैं कहता हूँ, मैं बहुत अंदर अंदर तक गया हूँ कश्मीर के अंदर में, और छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे घर में लोग इंतज़ार करते हैं, जब उनको रास्ते से फ़ोन करते हैं 25 अच्छे लोगों के घर जाना है, लोगों के घर जाना, तो लोग इंतजार खड़े होकर करते हैं। हमारे पास अब जो फाइनल टैली आ रही है वो तस्वीर पूरी सामने आ रही है, एक्सीलेंट जॉब पोल स्ट्रैट और हमारी दूसरी टीम का, सीधे दिखाइए। 543 नंबर वन पहला वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयर जो है एनडीए 44.01, इंडिया 29.06, अदर्स 19.43 और अनडिसाइडेड 7.5, यानी करीब करीब 7.5%, ये इस वक्त आपके सामने है। लेकिन अब डायरेक्टली सीटों की बात करते हैं, इस वक्त जो हमारे सामने आंकड़ा आ रहा है, अब की बार 400 पार ये नारा लिया गया था, लेकिन क्या है आंकड़ा हमारे ओपिनियन पोल में, एनडीए 362, एनडीए 362 और ये थर्ड टर्म होगा, बीजेपी 319, सहयोगी 43, 43। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनडीए का जो पूरा बाइफर्केशन है, बीजेपी 319 और सहयोगी 43। अब मैं बात करता हूं इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस का जो फाइनल टैली आपके सामने है, इंडिया अलायंस 149, इंडिया अलायंस 149। और पंकज जी जो मेरे साथ यहां पर कांग्रेस से, वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे, उनका रिएक्शन जरूरी है। कांग्रेस 49 और जो अदर्स हैं सहयोगी हैं उनके, वो हैं करीब 100, 49 एंड 100। लेकिन अदर्स की बात की जाए, अदर्स इस मामले में अदर्स का क्या रोल रहेगा, उनकी कितनी है, वो है 32। लेकिन अब आपको दिखाते हैं फाइनल ओपिनियन पोल के टॉप 10 पार्टीज कौन सी हैं। आइए दिखाइए जरा तेजी से, जिन जिन दर्शकों ने टेलीविजन सेट ओपन किया है, फाइनल ओपिनियन पोल की टॉप 10 पार्टीज कौन सी हैं, यहां पर बिग वॉल पर मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर वन डेफिनेटली आपको पता है, जो अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया है उसमें नंबर वन पर बीजेपी 319, कांग्रेस नंबर टू 49, टीएमसी 21, टीएमसी 21, डीएमके 18, वाईएसआरसीपी 13, वाईएसआरसीपी 13, और यहां पर समाजवादी पार्टी एसपी 11, ये देखिए, अब एसएस ये देखिए 10, जेडीयू 8, टीडीपी 8, आप जो है वो भी 8 है यहां पर। ये इस वक्त फाइनल टैली आपके सामने है, सीधे इसको देखिए, और ये अब मैं आपको बता दूं हमारा सैंपल साइज है करीब 25 लाख का, 25 लाख। अब सीधे मैं चलूंगा पंकज जी, आई एम श्योर आप इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन एक रियलिस्टिक असेसमेंट की अगर बात की जाए आपके अनुसार, आपकी आपके सहयोगियों का, आपके अलायंस का, आपकी पार्टी का, अभी आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में आपके अनुसार कौन कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं? देखिए निशांत, जाहिर सी बात है कि इस जो आया है जो रिजल्ट आपके, उसमें उससे सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसकी वजह यह है, मैं सिर्फ ये केवल इच्छा की बात नहीं है कि आज प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद जनता के बीच हैं, और जाहिर है जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में जबकि सिर्फ 410 रुपए में गैस का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए में है। उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा डॉलर है वो साहब 60 रुपए के आसपास पहुंच गया है, तो मनमोहन सिंह को कोस रहे थे, आज वो 83 रुपए में है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, हालत यह है कि जो इनका नीति आयोग का है जो पूरा आंकड़ा वही बताता है कि 2016-21 के बीच 2.5 करोड़ रोजगार खत्म हो गए, नए रोजगार तो छोड़ दीजिए। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय है, इस समय जो इस देश में हालात है, अगर 5 किलो राशन के लिए सरकार खुद कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को देंगे, इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी का इंतजाम अपने नहीं कर पा रहे हैं। अग्निवीर योजना, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा हम इसको खत्म करेंगे, कोई इफ्फत नहीं। और जिस तरीके से हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जो नौजवान पूरी तरीके से सेना में जाने के लिए रात दिन तैयारी करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सड़क पर उतरे हुए। तो इस तरह के जितने मुद्दे हैं, महिलाओं का सवाल ये उठाते थे क्या हुआ जो हमारी महिला पहलवान थी हरियाणा की, और आप कह रहे हैं हरियाणा में वो जीत रहे हैं, तो ठीक है भाई, आपकी मशीन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो जनता का दिल है, जो जनता की भावनाएं हैं, जो कास्ट सेंसस जिस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति जनगणना का प्रश्न पूरे संसद ने एक स्वर में पास किया था, उस पर बोल नहीं रहे, महंगाई बेरोजगारी का सवाल एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाएंगे इस देश के ज्यादातर लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का उसके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार इस बार उखाड़ फेंकने की बारी है और जनता उसके लिए तैयार है। ठीक है, अब मैं शिव और संदीप दोनों के पास आऊंगा। शिव और संदीप आप तैयारी कर लीजिए, हम लोगों ने एक और ओपिनियन पोल किया था, अगर आपको याद हो आप ही की टीम ने, वहां से लेकर अब तक कौन से 3 पॉइंटर्स हैं जो आपको चेंजेस में दिखे ओपिनियन पोल्स में, ये मैं 3 पॉइंटर्स आप दोनों से लेना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यहां पर रामकृपाल जी से मैं पूछूंगा। रामकृपाल जी, ये जो फिगर्स आ रहे हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स आ रही है, जमीनी हकीकत, इतना बड़ा सर्वे, ये सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी जैसे जैसे इलेक्शन डेवलप होगा? खासकर अभी हम देख रहे हैं यूपी में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, राजस्थान में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपका इस पे क्या टेक? निशांत जी देखिए, आपका जो ये सर्वे है, मैं इसको गलत कहने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है, और जो बाकी ओपिनियन पोल बाकी भी आए हैं मैंने देखा है कुछ समय पहले, सारे ओपिनियन पोल को मैंने देखा हुआ है, तो करीब करीब यही इसी के आसपास पहुंचते हैं, फिगर कोई थोड़ी सी ऊपर हो या नीचे हो। हमारे पंकज भाई ने अभी जो जो बातें कही हैं, मैं मानता हूं कि अगर इतनी बुरी हालत के बावजूद, 10 साल शासन करने के बावजूद अगर ये फिगर जा रही है, तीसरे टर्म में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, पूर्ण ही नहीं 14 से ज़्यादा 19 में और 19 से ज़्यादा 24 में मिल रहा है, अगर बीजेपी की अपनी सीटें मान लें तो 319 आप दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब अलग बात है, जनता को भरोसा है उस रामकृपाल सर, मुझे ये चाहे वो फेल हो रहा हो, चाहे पूरा न कर पा रहा हो, लेकिन वही विकल्प है। ठीक है, मुझे ये शो वाइंड अप करना है, मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा जफर जी से। जफर जी, सिर्फ 30 से 40 सेकंड प्लीज, आप मेरी मजबूरी समझेगा कि टाइम हमारे पास कम है। मुझे ये बताइए सर, अभी इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, उस ग्राउंड रियलिटी में आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, कितनी सीटें आप लोगों को लग रही है? देखिए, आपने 319 दिखाई है हमारी सीटें, हमें लगता है कि 370 सीटें के टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। हमारे जो घटक दल है उनके साथ मिलके हम 400 पार करेंगे जी। ऐसी हमारी सोच है और इस दिशा में ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का विश्वास हमारी सरकार पे, जैसे अभी कृपाल सिंह जी भी कह रहे थे, रामकृपाल जी भी कह रहे थे कि वही विश्वास और वही आशीर्वाद के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी यकीन है कि हम 400 पार करेंगे। ठीक है, ठीक। शिव, मैं माफी चाहूंगा, राजेश जी क्विक रिएक्शन, वेरी क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि पिछला सर्वे जो आप लोगों ने किया था उसमें एनडीए को 376 सीटें मिली थी और अब 362 कम हुई है, 333 बीजेपी को मिली थी, 319 है।
तो आप ही ओके ओके, मैं अब आपको रोकूंगा यहाँ पर सभी लोगों को। मैं बिल्कुल बहुत बहुत तीन आपने पॉइंट बोले थे, मैं दो ही बोल दूंगा। ओके, जो क्रूशल स्टेट रहेंगे वो राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार रहेंगे सबसे ज्यादा क्रूशल। और जो एक चीज हमने फर्क आया है, पहले जो 0-5% के मार्जिन में सीट्स थी वो बड़ी है भाजपा की। वेल डन, ओके, वो बड़ी है भाजपा की। ये एनालिसिस मुझे चाहिए था, मुझे यही एनालिसिस चाहिए था, क्या डिफरेंस आया। सॉरी आई एम रोकिंग, आई एम स्टॉपिंग यू राइट नाउ, रोकिंग बोल रहा हूं मैं। ये देखिए अब जो हमारे पास डेटा है, स्क्रीन देखिए ऊपर, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल का फाइनल डेटा, 362 बीजेपी प्लस एनडीए ओवरऑल, इंडिया अलायंस 149, अदर्स 32। ये हमारे सामने डेटा आ रहा है, ये इस वक्त की तस्वीर है।